Okay, so everyone, please switch on your cameras. मुझे किसी का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है, जस्ट फ्यू ऑफ यू. प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्लीज. कल सबने किया था ना मेट्रिसेस का टास्क. इफ नॉट इट्स फाइन. थर्सडे फ्राइडे आपका क्लास नहीं है, मोस्ट प्रोबली कल तो नहीं है. फ्राइडे आई कैन कीप इन द मॉर्निंग, इवनिंग में नहीं होगा. सो आई लेट यू नो बाय टुडे नाइट. बट स्टिल, अगर जिसने भी एटलीस्ट ट्राई किया है मेट्रिक करने का, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क. अदरवाइज वील स्टार्ट विद द डेटा फ्रेम्स. संस्कार, प्रैक्टिकली यू शुडंट अटेंड बिकॉज दिक्कत आएगी. ऐसे आप कर सकते हो अटेंड, बट कुछ कुछ रेफरेंसेस कल से रिलेटेड है. सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप कल का क्लास कर लो. अदरवाइज आज इट विल बी लाइक आज भी उतना समझ में नहीं आएगा, एंड फिर कल का क्लास तो करना ही है. तो इट्स बेटर आप नहीं करो अटेंड. एनीथिंग एल्स, हैव यू कंप्लीटेड यस्टरडेज असाइनमेंट टास्क 5E? ओके निधि, लेट मी जस्ट ओपन द 5E. ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया. तो टास्क 5E इज बेसिकली, आपको पहले तो ये वाला आई गेस. अच्छा, सो दे आर सेइंग कि आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स सी. एंड देन द क्वेश्चन इज टू यूज इंडेक्सिंग एंड टू टेक आउट द 2x2 मेट्रिक्स ऑफ द बॉटम राइट. सो बेसिकली 2x2 ऑफ बॉटम राइट, यानी कि ये वाला आपको पोर्शन निकालना है, 7, 8, 11, 12. सो दिस इज विच रो? सेकेंड रो एंड थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. तो आपको ये चारों मिल जाएगा. देखो कैसे निकालेंगे आर में. तो बेसिकली ये मेरा पूरा मैट्रिक्स है. आई जस्ट रन दिस मैट्रिक्स सी. देखो मैट्रिक्स सी आ गया हमारा, एंड मुझे ये 7, 8, 11, 12 निकालना है. सो कैसे निकालेंगे? सेकेंड रो, थर्ड रो, तो यहाँ पे हमने ले लिया अगेन अ वेक्टर के फॉर्म में कंबाइन फंक्शन यूज करके. सेकेंड रो एंड द थर्ड रो एंड कॉलम में हमने ले लिया थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा 2x2 का बॉटम राइट का मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. इज इट फाइन? इसका डाउट था ये. निधि, इज इट फाइन? एनीथिंग एल्स? एनी डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? इफ नॉट वी मूव टू द, ये मैंने बोला था लास्ट वाला नहीं कर पाओगे, तो आई टोल्ड यू ऑल टू स्किप दिस पार्ट. नहीं, ये वाला टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ m, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल. अदरवाइज सबने कर लिया ना? ओके, आई विल सजेस्ट यू ऑल प्लीज कर लेना, क्योंकि इससे आपका सारा रिविजन हो जाएगा एंड आपको यू विल बी श्योर दैट यू नो मेट्रिसेस नाउ. तो ओके, नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी फर्दर क्वेरीज. सो लेट अस मूव टू डेटा फ्रेम्स. नाउ व्हाट आर डेटा फ्रेम्स?
डेटा फ्रेम्स आर जस्ट लाइक मेट्रिसेस, टू डायमेंशनल रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज, कि मेट्रिसेस में इट कैन कंटेन जस्ट सिंगल टाइप ऑफ डेटा, वेर एज इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स इट कैन कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स. ठीक है, सो दिस इज वेयर द मेजर डिफरेंस कम्स इन, एंड दैट इज वाई डेटा फ्रेम्स ऐसा चीज है जो हम हमेशा मोस्टली यूज करने वाले हैं रादर देन यूजिंग मेट्रिसेस. नाउ आपके पास जब भी कोई टेबल होता है, टॉक अबाउट इन एक्सेल और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आपके पास एक पूरा टेबल होता है, तो उस टेबल में यू हैव डिफरेंट कॉलम्स, राइट? दोस कॉलम्स आर ऑफ सिंगल डेटा टाइप. मैं एक बात कर रही हूँ एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड डेटा का, उसका मीनिंग क्या है? एक कॉलम में आपका नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सो इट गोज दिस वे कॉलम वाइज. ये होता है डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा कलेक्शन का यही टेक्निक होता है जो हर जगह फॉलो करते हैं. दैट्स अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबल विच एग्जिस्ट इन एवरीवेयर. तो ये जो अब हमारे कॉलम्स होते हैं, दीज कॉलम्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप. मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ दिस इज नेम, ठीक है, इफ दिस इज नेम, सो इट विल ओनली बी ऑफ वट कैरेक्टर डेटा टाइप. क्या कोई नंबर्स का नेम हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता. इवन इफ देर इज अ पर्टिकुलर नंबर इन अ नेम, तो उसको हम लोग एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करेंगे. सो दिस इंटायर कॉलम इज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप. देन यहाँ पे मैंने लिखा है स्कोर, तो स्कोर में यहाँ पे इफ यू कैन जस्ट सी 12.5, 9.0, सो बेसिकली इसको मैंने ले लिया डबल और न्यूमेरिक. अटेम्प्ट्स को मैंने ले लिया इंटीजर, क्योंकि खाली आप कभी डेसिमल में अटेम्प्ट्स नहीं कर सकते. देन आई हैव whether the person has qualified or not, so yes or no, ye khali yes ho sakta hai ya to khali no ho sakta hai, beech ka kuch nahi ho sakta. So these are numeric, this is double, this is integer. Qualified is a categorical data, yani ki factor hai, kyunki khali yes ya fir no hi ho sakta hai, there is nothing other category possible. So that is how you have different columns in a data frame. This entire thing becomes a data frame. हर एक कॉलम जो होता है वो एक सिंगल डेटा टाइप का होता है. इट इज अ वेक्टर और अ फैक्टर. इट जनरली इट्स अ वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. सो द कॉलम्स आर द वेक्टर्स और द फैक्टर्स विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल. द रोज रिप्रेजेंट्स दीज रोज विच आर देयर, दीज रिप्रेजेंट सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान का पूरा डिटेल, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, द स्कोर, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एंड वेदर ही और शी इज क्वालिफाइड और नॉट. सो दिस इंटायर इज नोन एज अ रो, एंड एक रो को हम क्या बोलते हैं? वन सिंगल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम. सो ये जो कॉलम है इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, फील्ड या फिर वेरिएबल. मोस्टली इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. अब यहाँ पे वो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग अभी डेटा फ्रेम में जब आर में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स. इफ दिस इज माई इंटायर डेटा फ्रेम, दीज आर माई डिफरेंट वेरिएबल्स, नेम, स्कोर, अटेम्प्ट्स, क्वालिफाई, तो ये सारे मेरे अलग अलग वेरिएबल्स हैं और ये सारे अलग अलग मेरे ऑब्जर्वेशन या फिर रोज हैं. ठीक है, नाउ वील फर्स्ट create a data frame. I will not create this data frame. एक और simple सा data frame बनाने का कोशिश करूंगी, तीन column का. ठीक है, so along with me you all can do it or you can just see what I am doing and then later on make, you can just make notes मेरे साथ साथ. तो data frame बनाने के लिए we have, सबसे पहले तो हम उसको किसी एक object में डालते हैं, let us suppose object A में डालते हैं. एंड अगेन डेटा फ्रेम बनाने के लिए, जैसे मेट्रिक्स बनाने के लिए फंक्शन का नाम होता है मेट्रिक्स, वैसे डेटा फ्रेम बनाने के लिए फंक्शन का नेम इज डेटा डॉट फ्रेम. द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी गिव इज द डेटा, डेटा डॉट फ्रेम. यहाँ देखो ये जो हमारे डॉट डॉट्स है, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स विच यू विल गिव. तो सपोज करो हमारे पास तीन
हमें तीन कॉलम्स बनाने हैं, एक नेम का, एक एज का और एक स्मोकर कि वो स्मोकर है या नहीं, ट्रू फॉल्स। तो तीन अलग अलग मेरे कॉलम्स बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपके तीन अलग अलग कॉलम्स है तो आप तीन अलग अलग वेक्टर्स दे सकते हो, ठीक है? जनरली दैट इज हाउ वी गिव, तीन अलग अलग हम वेक्टर्स देंगे। तो एक बार ध्यान से देखो एंड देन यूल अंडरस्टैंड। चलो मैं यहाँ से नेम लेती हूँ, आर्चल, देन आई टेक, इसका मुझे इजी लगे थोड़ा नेम, नासी का ले लेती हूँ, वशिष्ठ, एंड आई हैव दिव्यानी, आई हैव देवांश, एंड कितने नेम्स हुए? फोर। लेट अस कीप फाइव, एंड एक में रख देती हूँ अपने नेम का शॉर्ट फॉर्म। चलो देन दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। अब यहाँ पे मैं वेक्टर इनपुट कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो मेक अनदर वेक्टर सेपरेटली एंड पुट इट ओवर हियर, दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू। दूसरा एज, तो एज मैं सबका ले लेती हूँ, 23 रैंडमली ले रही हूँ मैं, ठीक है? 28। चलो एंड देन वेदर द पर्सन इज अ स्मोकर और नॉट, सो अगेन आई एम टेकिंग इट रैंडमली, सॉरी, इट शुड बी ट्रू फॉल्स, फॉल्स अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, ट्रू एंड ट्रू, ओके? एंड देन वी विल सिंपली क्लोज इट। अभी ये बनना कैसा चाहिए? ऐसा कुछ बनना चाहिए जो आपने यहाँ देखा है, एक पर्टिकुलर टेबल विथ थ्री कॉलम्स, एक हो जाएगा हमारे नेम का, एक हो जाएगा हमारे एज का जो मैंने डाले, एक हो जाएगा स्मोकर, येस और नो, ठीक है? तो इसको अभी अपने रन करते हैं, एंड लेट्स रन ए। अब यहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम, कैसे आ रही है? पहले यहाँ पे आया सी डॉट ऑल द नेम्स आर इन अ कॉलम, रो सॉरी, एंड देन इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम, देन आई हैव द एज, अगेन वो एज सारे कैसे आ गए कॉलम में, फिर स्मोकर स्टेटस, एंड देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज डेटा, बिकॉज आर इज नॉट एबल टू विजुअलाइज कि ये जो आपने कॉलम दिया, ये जो आपने एक वेक्टर दिया, इसका नाम क्या होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप एक टेबल देखते हो कहीं पे भी, उसका एक कॉलम हेडिंग होता है, विदाउट दैट कॉलम हेडिंग उस पूरे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपली अगर एक कॉलम में नंबर्स लिखे हुए, दोज नंबर्स, दीज नंबर्स कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग, इट कैन बी द एज, इट कैन बी द नंबर ऑफ एग्जाम्स अपियर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली दीज नेम्स कैन बी एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ कंपनी, वॉट। सो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। तो इसीलिए ये मेरा एरर आ रहा है। टू अवॉइड दिस एरर दो चीज कर सकते हैं, देर आर टू वेज ऑफ नेमिंग द एंटायर डेटा फ्रेम। अगेन जैसे हमारे हमने जैसे मेट्रिसेस में पढ़ा था, तो यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे जो हम यूज करते हैं वो ऐसे देखना, हम यहाँ पे दे देंगे नेम, नेम इक्वल टू ये सेम चीज, अगर आप लोग को याद है दिस सेम थिंग वी डिड टू क्रिएट द नेम्ड वेक्टर, देन वी हैव एज इक्वल टू, एंड देन वी हैव स्मोकर। तो यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग विद इन द कोट्स। अगेन जो आई थिंक वशिष्ठ का क्वेश्चन था कि आप इसको कोट्स में क्यों नहीं दे रहे हो, बिकॉज दीज आर नॉट कैरेक्टर्स, दीज आर द वेरिएबल्स विच इज द कॉलम हेडिंग विच रिप्रेजेंट दैट एंटायर कॉलम। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और अभी जस्ट 5-10 मिनट्स में और भी क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बट दीज आर द वेरिएबल्स विच आर द कॉलम हेडिंग्स, इनके बिना ये पूरा मीनिंगलेस है, वो पूरा कॉलम मीनिंगलेस है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट वेक्टर्स, एंड देन आई विल जस्ट रन दिस, एंड ए अभी रन करते हैं फिर से, एंड सी दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर, नेम, एज, स्मोकर। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे हम करते हैं।
नाउ अदर वे ऑफ डूइंग इट, या तो आप ऐसे लिख सकते हो नेम एज स्मोकर, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो रो नेम्स एंड कोल नेम्स, रो नेम्स एंड कोल नेम्स। अगर हम कोल नेम्स दें, अच्छा वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे अपने आप क्या आ गया 1 2 3 4। इन केस ऑफ मेट्रिसेस आप लोग को याद होगा, इन केस ऑफ मेट्रिसेस कैसे आ रहा था, मैं आपको ऊपर थोड़ा जाके दिखाती हूँ। दिस वॉज अ मेट्रिक्स, यहाँ पे क्या आ रहा था, एक इंडेक्सिंग के फॉर्म में आ रहा था, राइट। बट यहाँ पे आपको 1 2 3 4 आ रहे हैं, क्यों? दिस मीन्स कि ये पूरा एक आपका एक ऑब्जर्वेशन है, एक रो है एक ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा एक आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बोलू आंचल, दिस सेपरेटली डज नॉट मीन एनीथिंग, देवयानी दिस सेपरेटली डज नॉट मीन एनीथिंग, बट इफ व्हेन आई टेक दिस एंटायर थिंग एज वन सिंगल ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स ओके देवयानी एज है 25 एंड द स्मोकर स्टेटस इज फॉल्स, दैट इज हाउ वी रीड इट, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ भी आपका इंडेक्सिंग के जैसा नहीं आया, जैसे आ रहा था आपका मेट्रिसेस में, यहाँ पे आपका अपने आप रो नेम्स आ गया। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन यू हैव दिस एंटायर कॉलम विथ योर सेल्फ, टेबल विथ योर सेल्फ, क्या आपको रो नेम देने का जरूरत है? इस पूरे टेबल में क्या आपको एक रो नेम देने का जरूरत है, 1 2 ABCDEFG, ऐसा कुछ रो नेम देने का जरूरत है? नहीं, द सीरियल नंबर्स आर ऑटोमेटिकली कमिंग टू अस, नो देर इज नो नीड। तो इस केस में कभी भी डेटा फ्रेम में हम रो नेम्स नहीं देंगे, बिकॉज इट इज इलॉजिकल, कोई मीनिंग नहीं है। हम जब डेटा स्टोर करते हैं, जो हमें डेटा मिलता है वो हमें एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में मिलता है, जो हम अभी कमिंग क्लासेस में करेंगे, देन वी विल डील विद द एक्चुअल डेटा सेट। तो वो एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है, उसमें कभी भी रो नेम्स नहीं होते, सीरियल नंबर होता है बट कभी भी रो नंबर्स रो नेम्स नहीं होते। सो वी जस्ट हैव कोल नेम्स विद अस एंड इसमें हम लोग डालेंगे ए। तो मैं एक बार फिर से इसको रन कर लेती हूँ, मैं फिर से देख लो, ए को मैंने रन करके ऐसे चेंज कर दिया है। सो अगेन विद इन दिस आई कैन गिव माई कॉलम नेम्स, इधर पे आई विल गिव इट इन दिस पे। क्योर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉल नेम्स आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते थे विच इज जस्ट द नेम्स, क्योंकि इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स हम रो नेम्स कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं करते। सो अगेन वी कैन जस्ट गिव, अगेन वी कैन जस्ट गिव द नेम्स। अगेन आई विल रन दिस ए, देख लो अभी ऐसे आ रहे हैं, मैं नेम्स फंक्शन लेके रन करती हूँ, ठीक है। सो आइदर यू कैन यूज कॉल नेम्स और यू कैन यूज रो नेम्स, ठीक है। यस मेहक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैम, आई ऑफन गेट कन्फ्यूज कि कब इन्वर्टेड कॉमास लगने हैं कब नहीं। जैसे आपने कंकैटिनेट किया है तो आपने लगाए हैं इन्वर्टेड कॉमास, बट जब आपने डेटा फ्रेम में ही कॉलम नेम दिए थे तब नहीं लगे। तो एक बार आप ये एक्सप्लेन कर दो फिर से प्लीज। सही, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप जब लिख रहे हो आप इसको एज अ वेरिएबल लिख रहे हो, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज अ वेरिएबल, दिस रिप्रेजेंट अ वेरिएबल कि नेम के अंदर ये सारे वैल्यूज है, एज के अंदर ये सारे वैल्यूज है, इसीलिए यहाँ पे हम कोटेशंस नहीं दे रहे। यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे वेक्टर के जैसे आप कॉलम नेम्स पास कर रहे हो, एक ही बारी में, एक ही बारी में पास कर रहे हो ना। कॉल नेम्स आप जब फंक्शन यूज कर रहे हो, इस फंक्शन की यूज करने का मतलब ही ये है कि आप कॉलम नेम्स पास कर रहे हो। तो इस केस में आप जब एक बारी में सारा कॉलम नेम्स पास कर रहे हो, तो यू हैव यू विल गिव विद इन द कोटेशन। अगर आप यहाँ पे अलग से नेम एन एज एंड स्मोकर दोगे विदाउट यूजिंग द कोट्स, तो आर आपसे पूछेगा कि नेम क्या है, वेदर इट्स अ कैरेक्टर और इट्स नॉट अ कैरेक्टर, इट विल टेक इट एज एन ऑब्जेक्ट। तो बोलेगा ये ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ हमें, नेम ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब भी कोट्स के बिना पास करते हो कुछ भी, इट इज रेड एज अ न्यूमेरिक, अगर वो न्यूमेरिक नहीं है सो इट इज रेड एज अ ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यू विल नॉट गेट दैट ऑब्जेक्ट, राइट।
तो उस केस में आपको यहाँ पे कोट्स में पास करना है, बिकॉज आप एक साथ सब कुछ पास करो एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट एज अ कॉलम कॉलम नेम. बट यहाँ पे जब आप कोट्स में दे दोगे तो वो एक न्यूमेरिक के जैसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, उसको लगेगा कि आपकी डेटा पास कर रहे हो. तो वो अवॉइड करने के लिए आप इसको बिना कोट्स के यहाँ पे पास करोगे एंड देन व्हेन यू प्रैक्टिस अलॉट यू विल अंडरस्टैंड मोर. बट अभी आपको ये चीज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आप जब एक साथ ही पास करो तो यू हैव टू गिव इट विद इन द कोट्स, यहाँ पे आप एज अ वेरिएबल दे रहे हो, यू डोंट गिव द कोट्स. Is it clear, Mehak? Just give me a yes in the chat box. Will it show error if we put quotations in data frame? Try karo. Nidhi, try karke dekho. If we have three different vectors, yes, you can do that. Hum log karenge vaisa cheez. In the PPT, we have MAN. Okay. So PPT ko abhi bhool jao. MAN kya hota hai, wo hum baad mein karenge. We haven't reached to that point abhi tak. Those are actually not applicable or not available values. उस पर हम लोग आएंगे in our next class. तो ये वाला चीज ठीक है, आप यहाँ पे कोट्स डाल के देखो आपको एरर आता है कि नहीं, वो आप खुद से एक बार ट्राई करो. बट दिस इज हाउ वी डू इट. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज ओके, यू आर सेइंग नॉट एन एरर. चलो ए को मैं रन करती हूँ ऐसे एंड यहाँ पे लेट मी जस्ट give it within the quotes. ठीक है, आप दे सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट वॉट आई विल सजेस्ट एंड दिस इज नॉट वॉट वी डू. तो फर्स्टली ये एक वेरिएबल है, अभी आपको और समझ में आएगा. जस्ट गिव मी, जस्ट वेट फॉर 1 आवर, ये पूरा और क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं इसको. तो जस्ट वेट फॉर बना, जब तक डेटा फ्रेम्स नहीं खत्म हो, अगर फिर भी आपको ये डाउट है तब आप फिर से पूछना, तब तक आपको नहीं बचेगा ये डाउट. बट द मेजर थिंग इज ये आप साथ में जब पास करते हो तो आप हमेशा ऐसे लिखते हो एंड दीज आर द वेरिएबल्स, तो आप इसको वैसे नहीं लिखते हो. आर काफी अपडेट हुआ है, आई थिंक पहले आपको एरर आता था, अभी अभी ये चीज में एरर नहीं आ रहा बिकॉज देर आर अ फ्यू चेंजेस विच हैज ऑलरेडी बीन डन. डेटा फ्रेम में स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स में भी चेंजेस हैं जो हम लोग करेंगे आगे धीरे धीरे, तो इसीलिए पहले इसमें एरर आता था. एक्चुअली अगर आप 6 मंथ्स पहले वाला आर वाला वर्जन यूज करते तो आपको एरर मिलता, अभी आपको एरर इसमें नहीं मिल रहा, सो दैट्स नॉट एन इशू. मैम इफ वी ऐड, प्लीज डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स खुद से एंड ऑल दोज परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस जो मैंने बोला था. सी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना तो क्या होता है कि आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होता है. ये सारी चीजें जो होते हैं ना कि हम अगर एक्स्ट्रा नेम्स दे दें, कम नेम्स दें तो क्या होगा, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. जैसे मैंने ऑलरेडी हर बारी कराया मेट्रिसेस में, मैंने कराया था कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो एन ए आ जाएगा, अगर आप ज्यादा दोगे तो वो आएगा ही नहीं, लाइक इट विल गिव यू एन एरर. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ, बट बींग अ लॉजिकल स्टूडेंट यू विल नेवर डू दैट इन द रियल वर्ल्ड, राइट? तो आप वो सब चीजें नहीं करोगे कभी खुद से. So those you can try for yourself. तो ये हो गया, इस पे हम अब हमारा डेटा फ्रेम बन चुका है, कैसे बनाते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स बोल के कुछ है जिसमें हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देरी बाद, तो जस्ट होल्ड ऑन. एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फ्रेम इज नाउ रेडी. वंस दिस इज रेडी वी कैन पास अ फ्यू फंक्शन लाइक इज डॉट डेटा फ्रेम. ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, ट्रू. ठीक है, हमें मिलेगा ट्रू. देन क्लास ले लोगे तो क्या मिलेगा, डेटा फ्रेम. बट यहाँ पे क्या आप इस पूरे डेटा फ्रेम के लिए एक चीज और, आप ये नेम्स देखो, दीज आर कैरेक्टर डेटा टाइप्स, बट ये आपके कोट्स में नहीं आ रहे. ठीक है, क्यों नहीं आ रहे, वील कम टू इट. द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज अगेन नंबर ऑफ रोज आप निकाल सकते हो, जैसे हमने मेट्रिसेस में करा. आप नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल सकते हो जैसे हमने अगेन मेट्रिसेस में करा, और यू कैन टेक आउट द डायमेंशंस यूजिंग देम. यहाँ पे भी पहले यू गेट द नंबर ऑफ रोज एंड देन यू गेट द नंबर ऑफ कॉलम्स. कुड यू प्लीज शेयर द कोड फॉर ए. ओके आई कैन बट
दिस आई विल नॉट डू फॉर अदर फ्यूचर कोड्स, आप ये ले लो, मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। ओके, सो वी हैव डायमेंशंस, देन वी हैव रो नेम्स, तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो आप अगर आपको कॉलम नेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, सो अगेन यू हैव डिफरेंट फंक्शंस फॉर इट, तो आप यहाँ पे अगेन खाली नेम्स पास कर सकते हो, तो आपका कॉलम नेम्स आ जाएगा, आप कोल नेम्स पास कर सकते हो, तो अगेन आपका कॉलम नेम्स आ जाएगा। रो नेम्स फंक्शन होता है जो कि आप यूज कर सकते हो, विच इज 1 2 3 4 5, बट इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, क्योंकि आपके वो इंटीजर्स में ही हमेशा आएंगे। इफ यू वॉन्ट टू गिव योर ओन रो नेम्स, यू कैन डू दैट, बट दैट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू, ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम्स हम यूज ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक टेबल के स्ट्रक्चर में होते हैं। एक्सेल में जो हम टेबल देखते हैं, हम जब एक्सेल से यहाँ पे इम्पोर्ट करना सीखेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास, जब हम डेटा इम्पोर्ट करना सीखेंगे, तो वो सारे डेटा जो इम्पोर्ट होते हैं वो एज अ डेटा फ्रेम इम्पोर्ट होते हैं, तो उसमें कोई भी रो नेम्स होता नहीं है यूजुअली। इन स्ट्रक्चर ए अभी मैं वहां तक गई नहीं हूँ दिव्यानी, सो वेट, किसी ने हैंड रेस किया था, आई जस्ट मिस्ड इट, ठीक है। सिमिलरली वी हैव डिम नेम्स, सो वील डू दैट एज वेल, सो दीज आर द डिम नेम्स, अगेन फर्स्ट यू गेट द रोज एंड देन यू गेट द कॉलम्स। ये क्यों ऐसे आता है, दिस यू लर्न, देन वील डू लिस्ट। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं ए रन कर देती हूँ आपके लिए अगेन, सो ये हमारा ए था, एंड देन आई एम रनिंग द स्ट्रक्चर, तो अब इसको आप समझना ये हो क्या रहा है। सो यहाँ पे नेम इज टेकन एज द कैरेक्टर, जैसे हमने सोचा था वैसा हुआ है, क्योंकि ये पूरा आपका क्या था, कैरेक्टर्स थे सारे, ठीक है, तो ये हमारा सही है। एज इज टेकन एज अ न्यूमेरिक, आपका क्वेश्चन था, नहीं यहाँ पे हमेशा कभी भी डबल या इंटीजर के जैसे क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप ऐसे कुछ पास करते ना सेवन, अगर आप ये कोलन वाला चीज यूज करते तो इट शुड हैव टेकन एज एन इंटीजर, बट न्यूमेरिक लेने का मतलब है दैट इट इज क्वालिफाइड एज डबल। न्यूमेरिक लेने का मतलब है कि इट इज टेकन एज डबल, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक हमेशा डबल की जैसे स्टोर होता है, तो डबल आपको एक्सप्लिसिटली कभी नहीं दिखाया जाएगा, या तो न्यूमेरिक रहता है या तो इंटीजर रहता है, सो इट मींस कि वो ऑलरेडी डबल है, अगर इंटीजर है सो इट इज इंटीजर, सो दैट इज हाउ यू क्वालिफाई, दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ आर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई न्यूमेरिक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज न्यूमेरिक, ताकि आप डेसिमल प्लेसेस इसमें ऐड कर सको इन फ्यूचर, तो हमेशा दिस विल बी टेकन एज न्यूमेरिक। अगर आपको इसको इंटीजर में चेंज करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एज डॉट इंटीजर, एंड आप इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हो, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल के रन करो, यू विल गेट, यहाँ पे यू विल गेट इंटीजर, ठीक है, यू कैन ट्राई डूइंग दैट, बट अगेन समथिंग विच इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। हम लोग अब से जो भी करेंगे दैट शुड बी लॉजिकल, क्योंकि नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स रियल लाइफ डेटा सेट्स, अब हम लोग बेसिक्स में नहीं है, अब हम लोग डेटा फ्रेम्स में आ चुके हैं, सो यू कैन डू दैट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत बारी होता है कि हम सिर्फ इंटीजर में डील करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, 5 क्लेम्स 2 क्लेम्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, दीज आर समथिंग विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, तो उस केस में आप उसको एज डॉट इंटीजर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर न्यूमेरिक भी है देन ऑल्सो इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। ओके, न्यूमेरिक है मतलब वो डबल है, एंड देन दिस इज टेकन एज लॉजिकल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सो दिस इज हाउ योर एंटायर थिंग इज बीइंग क्वालिफाइड। अब अगर आपको इसको फैक्टर में चेंज करना होता तो आप लिखते यहाँ पे एज डॉट फैक्टर, इसको आप एज डॉट फैक्टर कर देते बाहर में, या अपने आप एज डॉट फैक्टर, या फिर खाली फैक्टर भी लिखने से वीक एज अ फैक्टर चेंज हो जाता, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर। वील टॉक अबाउट दिस मोर जब हम लोग रियल डेटा इम्पोर्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको चेंजेस करना सिखाऊंगी कि कैसे आप एक पर्टिकुलर डेटा को दूसरे में चेंज कर सकते हो। इज इट फाइन टिल हियर, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो। अब देखो
दिस इज अ न्यू अपडेट विच हैज कम अप एंड ये अपडेट आया है पास्ट 6 मंथ्स में आया है. इफ यू आर यूजिंग आर वर्जन आई थिंक इफ यू डाउनलोडेड आर बिफोर मे बी जून 2020, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अगर आपने टूवर्ड्स दी स्टार्टिंग ऑफ लास्ट ईयर डाउनलोड करा हुआ है आपके लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप में नेम के जगह पे कैरेक्टर नहीं आएगा, फैक्टर आएगा. क्योंकि लाइक दिस इज नॉट फॉर यू गाइज बिकॉज यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट स्टिल यू शुड नो, पहले आर में ये जो डेटा फ्रेम हम डालते थे उसमें जो भी कैरेक्टर डेटा हम लेते थे ना, कैरेक्टर वेक्टर, वो बाय डिफॉल्ट फैक्टर्स में चेंज हो जाता था. सो दिस वॉज अ आई हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट पुराने वर्जन में क्या होता था कि ये वाला जो कैरेक्टर डेटा है वो अपने आप फैक्टर में चेंज हो जाता था बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल आर्ग्यूमेंट नोन एज स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स. स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स में ना पहले ये हमेशा ट्रू रहता था बाय डिफॉल्ट. अभी देखो अभी चेंज हो गया, अभी ये डिफॉल्ट डॉट स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स अभी ये चेंज हो गया. पहले दिस वॉज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू. Strings as factors was by default always true. The default has been true previously, but has been changed to false for R 4.0. This has been done क्योंकि पहले बहुत दिक्कत आती थी हमें, हम जब कोई भी data frame import करते थे, generally data frames ही import करते थे, तो हमारे बहुत सारे columns रहते थे. Suppose country, we have cities, we have names, we have, so ये जो भी character रहता था ना वो अपने आप factor में change हो जाता था, which doesn't make any sense. Name कभी भी, जैसे मैंने discuss कराया था, कभी भी factor नहीं हो सकते. Similarly countries को आप factor नहीं लोगे, आप क्यों लोगे? You can take it as factor, कोई दिक्कत नहीं है, but there are some things which cannot be taken as a factor. तो उस समय हमें क्या करना पड़ता था, strings as factors को false करना पड़ता था ताकि हमारे जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो एज अ कैरेक्टर डेटा टाइप आए. बट आप लोग के लिए ये एक एडवांटेज है कि आप लोग को अब ये चीज नहीं करना पड़ेगा. इनफैक्ट मेरे लिए भी है, मुझे भी नहीं करना पड़ेगा. तो ये पहले एक डिफॉल्ट था, एक शॉर्टकमिंग था जो आर ने अपडेट किया. इनफैक्ट लास्ट ईयर काफी ज्यादा, लाइक दिस न्यू वर्जन ऑफ आर 4.0, दिस ब्रॉट मेनी चेंजेस, लाइक सम सिग्निफिकेंट, कुछ कुछ छोटा छोटा ही, बट चेंजेस विच वर सिग्निफिकेंट. जैसे ये एक वन ऑफ द मेजर चेंजेस था जो इसमें आया. ठीक है, सो नाउ यू डोंट हैव टू पास दैट. पहले का यूज करते तो ये फैक्टर आता, तो हम क्या पास करते, स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स इक्वल टू फॉल्स. स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स का मीनिंग समझो, जो भी कैरेक्टर डेटा टाइप है वो अपने आप फैक्टर में चेंज हो जाएगा. पहले वो ट्रू था, अभी वो फॉल्स हो गया. एक बार ही हम लोग एक चीज कर सकते, वी कैन ट्राई पासिंग ये वाला कमांड स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स, एंड इसको हम कर देते हैं ट्रू. एक बार ट्राई करते हैं. ठीक है, मैंने ए रन किया एंड इसका स्ट्रक्चर रन करते हैं. तो सी इट इज टेकन एज अ फैक्टर. पहले ये अपने आप हमेशा फैक्टर लेता था, तो बार बार हमें से स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स फॉल्स, स्ट्रिंग्स एज फैक्टर फॉल्स हमेशा करना पड़ता था. अब हम वो चीज नहीं करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी वन? दिस इज अगेन अ वेरी मेजर थिंग जो मैंने आपको बताया. And that is why you should use the latest version of R. Clear? एक बार जल्दी से मुझे thumbs up दे दो. Okay. So किसी ने ये question पूछा था कि हम एक बार जल्दी से सब thumbs up दे दो मुझे. Great. Now, किसी ने पूछा था कि इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग द डेटा वेक्टर्स सेपरेटली, हम अलग से क्या वेक्टर्स बना सकते हैं एंड फिर उसको रन कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली कर सकते हैं वैसे. सो लेट अस मेक टू न्यू वेक्टर्स. एक हम बना लेते हैं हाइट का, इन्हीं 5 लोगों का हाइट ले लेते हैं. तो हम रैंडमली कुछ भी हाइट लेंगे, सो डोंट माइंड, मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली ले रखा है. नहीं, 190 बहुत ज्यादा हो गया. सो आई हैव हाइट एंड आई हैव वेट. दीज आर द टू वेक्टर्स व्हिच आई एम मेकिंग. मैम, इफ देयर आर मोर देन वन कैरेक्टर टाइप कॉलम्स देन ऑल ऑफ देम विल बी चेंज्ड. यस, जैसे मैंने बोला कि सब चेंज हो जाते हैं.
अगर आपका स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स ट्रू है, बट अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, जल्दी से मैं वेट ले लेती हूँ। अगेन डोंट माइंड, जस्ट एनीथिंग रैंडमली आई एम टेकिंग। 5 वैल्यूज है, ठीक है। तो ये मेरा एक बन गया। अब इसका मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगी, लेट अस टेक बीट डेटा डॉट फ्रेम, एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया हाइट कॉमा वेट। अच्छा, किसी ने अभी तक मुझसे ये चीज पूछा नहीं है, बट यू माइट हैव नोटिस कि मैं कभी भी फुल फंक्शन टाइप नहीं करती हूँ। दिस इज अगेन फॉर यू ऑल दोज हु वांट टू इंक्रीज योर स्पीड। देखो, जैसे मैं वेट लिख रही हूँ ना, तो अपने आप वेट लिखा हुआ आया, बिकॉज दिस इज एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विच आई हैव क्रिएटेड। तो मैं खाली टैब, आई जस्ट प्रेस द टैब बटन एंड वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सिमिलरली आई शो यू, इफ आई राइट डेटा फ्रेम, तो अपने आप ये सारे आ गए। सो जस्ट यू कैन यूज द बॉटम एरो की, डाउन एरो की, ऐसे जाओ एंड क्लिक ऑन टैब। सिमिलरली अगर इसके अंदर आप स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स लिख रहे हो, तो आपको पूरा नहीं लिखना, क्लिक ऑन टैब। दिस विल इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। आई यू शुड डू इट दिस वे, क्योंकि इससे आपका स्पीड इम्प्रूव होता है। एंड बी को रन करते हैं, सो वी हैव हाइट एंड वेट। क्लियर? आई थिंक किसी का ये डाउट था, दोनों चीजें क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिक। क्लियर? नाउ यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑफ डिफरेंट डेटा फ्रेम्स टुगेदर, विच मीन्स आपके पास एक डेटा फ्रेम ए ऑलरेडी है, एक डेटा फ्रेम बी है, दोनों को जोड़ना है अगर साइड बाय साइड। So you can again create a new data frame C, and I will write data dot frame. इसमें मैंने लिखा A comma B. ठीक है, इसको run करते हैं and see we have all the right columns. मतलब data frames जो हम लोग कर रहे हैं, this is the main object. इसके बाद जो arrays और list है वो हम लोग उतना use नहीं करेंगे. That was just 5-10 minutes का topic. Main is data frames जो हम लोग use करेंगे. तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है, लाइक दिस इज द ओनली मैट्रिसेस या डेटा फ्रेम। मैट्रिसेस उतना नहीं यूज करते हैं, डेटा फ्रेम्स ही है जो हम लोग यूज करते हैं अपने आर में। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। ठीक है, नाउ सिमिलरली एज हमारे पास स्ट्रक्चर फंक्शन है, Similarly, we have a summary function जो हम लोग आगे data analysis में काफी ज्यादा use करने वाले हैं। So suppose summary में मैंने वो अपना data frame डाला, तो अगर आप देखो, let me just increase the size and then run this. देखो, तो इसमें क्या होता है ना, summary में you get a 5-point summary. 5 to 6 point summary for all your numeric. तो name हमारा character था, तो character का आप summary क्या ले सकते हो? तो इसमें length दे रही है 5, यानी कि आपका total number of rows are 5. Class is character, mode is character. तो it's the character data type, आप उसमें क्या ही summary निकालोगे? Age is a numeric. तो numeric में हमारा minimum, we have maximum age. We have first quartile, which is 25th quartile, which is basically इसके नीचे 25% values है, इसके ऊपर 75% values है। We have median, 50th quartile जो होता है, इसके नीचे 50%, इसके ऊपर 50%. We have mean, which is nothing but average, and we have third quartile. So this is again for analysis कि हमारा कभी skewed होता है, data कितना skewed है, ये सब पढ़ते हैं जब हम लोग, तो उसके लिए हम समरी निकालते हैं। देन स्मोकर वॉज अ फैक्टर, अ लॉजिकल, एंड यहाँ पे इट वॉज टेकन, आप इसको एज अ फैक्टर भी ले सकते हो। सो फॉल्स कितने आ गए, 2 फॉल्स है एंड 3 ट्रू है। हाइट इज अगेन न्यूमेरिक, वेट इज अगेन न्यूमेरिक, तो ऐसा हमारा समरी टेबल आता है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज द फंक्शन हेड एंड टेल। ये फंक्शन अभी के लिए उतना यूजफुल नहीं है, बट वेन वी हैव अ लार्ज डेटा सेट जहाँ पे हमारे 500-400 रोज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उसमें हम ये यूज करते हैं। हेड इज बेसिकली टू गेट द टॉप 6 रोज। जनरली अगर आप खाली ऐसे पास करोगे, मैंने ये क्यों लिखा है टॉप नंबर ऑफ रोज, अगर आप खाली ऐसे पास करोगे सो यू गेट टॉप 6 रोज।
हमारे पास ऑलरेडी 5 रोज हैं, तो सारे रोज आ जाएंगे। आप कॉमा देके 3 लिखोगे तो 3 रोज आएंगे। क्लियर? सिमिलरली हेड जैसे होता है ऊपर से, टेल होता है नीचे से, तो इसको रन करो। अगेन बॉटम 6 रोज होते हैं। अगर आपको चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज बॉटम 6 रोज। अगर आपको चेंज करना है, वी जस्ट पास द नंबर आपके आगे बॉटम 2 रोज। एंड ऑल्सो कितना अच्छा है देखो, यहाँ पे 4 एंड 5 आए, सो दैट यू नो दिस इज द फोर्थ रो एंड दिस इज द फिफ्थ रो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से एक थम्स अप दे दो मुझे। ग्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट वील डू इज नाउ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि हमारा जो इंटायर कॉलम है दैट इज बेसिकली अ सिंगल डेटा टाइप। व्हाट इफ हम अलग अलग डेटा टाइप डालने का कोशिश करें, तो क्या वो ले पाएगा? लेट अस विजुअलाइज। तो सपोज मेरे पास है, मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाती हूँ, मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाती हूँ डी, एंड इसमें मैं डालती हूँ v1 एंड सॉरी v1, इसमें मैंने डाला नंबर्स डाल देते हैं, एक लॉजिकल डाल देते हैं, ठीक है, एंड v2 अगेन, सॉरी अगेन इसमें हम डाल देते हैं कैरेक्टर नंबर एंड लॉजिकल। आपको पता है ये क्या होने वाला है, वैसे तो फॉल्स ले लेते हैं इसमें। यू ऑल ऑलरेडी नो कि अभी क्या होगा। मैंने बोला है एक कॉलम में खाली एक सिंगल डेटा टाइप होता है, सो कोअर्सिंग जो हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, सेम चीज जो हमने मेट्रिसेस में पढ़ा है, कोअर्सिंग टू सेम डेटा टाइप। तो ये जो सारे हैं वो क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिक। ये सारे क्या हो जाएंगे? कैरेक्टर। लेट्स रन दिस, लेट्स रन डी। देखो 5 6, ये जो ट्रू था वो अपने आप हो गया 1। ए 5 फॉल्स। यहाँ पे कोट्स नहीं आता है, डेटा फ्रेम यू नेवर गेट द कोट्स। मेट्रिसेस में आपका कोट्स आता था आंसर में, वेक्टर्स में आता था, फैक्टर्स में आता था, फैक्टर्स में तो नहीं आएगा सॉरी, वेक्टर्स में आता था, मेट्रिसेस में आता था, पर डेटा फ्रेम्स में यू विल नेवर सी कोट्स। तो इसके लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा दैट दिस हैज बीन चेंज्ड टू न्यूमेरिक एंड दिस हैज बीन चेंज्ड टू कैरेक्टर। क्लियर? कोअर्सिंग टू द सेम डेटा टाइप। पहले क्या होता था, बिकॉज स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स ट्रू था, तो ये इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर किस में चेंज होता था? फैक्टर में, ठीक है, फैक्टर में चेंज हो रहा था। बट अभी आप लोग के लिए वो एक बॉदरेशन नहीं है। नेक्स्ट वील डू रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग मतलब कि इक्वल लेंथ अगर है नहीं कॉलम्स के, तो क्या होगा? ए बी सी डी बनाते हैं डेटा डॉट फ्रेम। अगेन लेट मी टेक v1 एज जस्ट अ सिंगल नंबर 1, v2 ले लेते हैं 1 से लेके v, एंड v3 ले लेते हैं 1 से लेके 4, ये ले लेते हैं 1 से लेके 2। लेट्स रन दिस, ई रन करो। क्या हुआ? रिसाइकल हो गया। कोई वार्निंग आ रहे है क्या? कोई मुझे प्लीज बता सकते हैं वार्निंग क्यों नहीं आ रहा है? मेघा वील कम टू योर क्वेश्चन। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए चाहिए, वील कम टू योर क्वेश्चन, थोड़ा वेट करना होगा प्लीज। ये इसमें वार्निंग क्यों नहीं आ रहा है?
because it's a multiple, because the larger vector is the multiple of the smaller vectors and ye completely recycle ho ja raha hai. What if agar mera pura nahi hota to kaise karte dekho. मैं इसी को वापस ले लेती हूँ एंड आई विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम एफ. एंड यहाँ पे देखो एफ जब लिख रही हूँ तो क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है. क्यों आ रहा है कोई बता सकते हैं मुझे, ब्लू क्यों आ रहा है, व्हाई नॉट ब्लैक. यहाँ पे तो ई ब्लैक आया था बिकॉज एफ इज अ वर्ड रिजर्व स्ट्रिंग यूज फॉर फॉल्स. ठीक है, इसीलिए. बट मैं फॉल्स नहीं यूज करी, मैं एफ यूज करी. एफ अपने यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स वो पूरा पूरा यूज नहीं कर सकते. नाउ इन दिस केस यू आर गेटिंग द एरर, आर्ग्यूमेंट्स इंप्लाई डिफरिंग नंबर ऑफ रोज. देर आर वन रो इन दिस, टू रोज एंड थ्री रोज, फोर रोज. तो इसको रन करो. फॉल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इसमें नहीं डाल सकते. अगेन द सेम थिंग एक्चुअली, द थिंग इज पहले हो सकता था, इफ एनी वन ऑफ यू यूजिंग एन ओल्डर वर्जन, मे बी आपके में ये चीज रन हो रहा हो, मेरे में ये रन नहीं हो रहा है. अच्छा, ऑल्सो मे बी बिकॉज ये एरर आया है, दिस इज नॉट अ वार्निंग, तो ये एफ क्रिएट ही नहीं हुआ. एफ वन कर देते हैं, ये एक्चुअली क्रिएट ही नहीं हुआ वेक्टर. हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट ही नहीं हुआ बिकॉज यू कैनॉट क्रिएट अ वेक्टर डेटा फ्रेम सॉरी विथ डिफरिंग लेंथ. ठीक है, तो आपका ये एरर आ रहा है. तो इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स, इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स वी कैनॉट क्रिएट डेटा फ्रेम ऑफ डिफरिंग, अच्छा वी कैनॉट क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑफ डिफरिंग number of rows. Here in case of matrices वो clear, वो create हो जाता था, हमें एक warning message आता था. Warning क्या आता था कि आप उसको वापस से recycle नहीं हो रहे, the larger vector is not a multiple of the shorter vector. Same happened in case of your matrices. But यहाँ पे आपका वो चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि this is a data frame. Data frame में मैंने क्या समझाया था, हर एक row का एक मीनिंग होता है. तो अगर आप देख रहे हो कि वो पूरा रिसाइकल नहीं हो रहा है, सम वैल्यूज आर लेफ्ट आउट, तो उसका एक मीनिंग चला जाता है, उस पूरी चीज का मीनिंग चला जाता है. सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज. मैम ई में आई थिंक आपने कुछ गलत किया है, अदरवाइज एरर नहीं आएगा. मे बी अगेन यू टुक डिफरेंट नंबर ऑफ रोज. मैंने यहाँ पे एक रो लिया है, इधर दो रोज लिए, इधर चार रोज लिए. ओके, ठीक है यहाँ तक. अगर ये क्लियर है सो वी मूव टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू लर्न इन केस ऑफ डेटा फ्रेम, इंडेक्सिंग, जो कि एक नॉर्मल इंडेक्सिंग नहीं होता है. इंडेक्सिंग और हम लोग इसको यहाँ पे प्रियांशी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. सबसेटिंग भी बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं सीखेंगे. बट यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो. क्यों मैं हाँ एरर तो आई गई ना, जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये जो लार्जेस्ट वेक्टर है दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर वेक्टर ना, इसीलिए एरर आ रहा है. तो अगर ई में आपने 1 से 3 लिया तो इसीलिए आपका एरर आएगा. मोनीश क्लियर है, क्यों एरर आ रहे हैं? ओके, नाउ वी लर्न इंडेक्सिंग और सबसेटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स.
क्योंकि आपको एज आई सेड फ्यूचर में खाली डेटा फ्रेम से डील करना है, एंड इसका इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग थोड़ा इट्स ऑलमोस्ट द सेम लाइक मेट्रिसेस, बट इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है मैम, इफ वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एनी कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम देन हाउ वी क्रिएट दैट डेटा? आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। इफ वी डोंट हैव द वैल्यूज मतलब यश, अगर आपके पास वैल्यूज ही नहीं है तो आप डेटा फ्रेम क्यों बनाओगे? वैल्यूज मतलब ये वैल्यूज होते हैं, अगर आपके पास ये मैम, नहीं। वी हैव ओनली लिमिटेड वैल्यूज, देयर आर 5 रोज एंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ 3। तो आप उसको मिसिंग वैल्यू के जैसे लोगे। हम लोग वो सीखेंगे व्हेन वी इंपोर्ट द डेटा, क्योंकि जनरली इट इज नेवर द केस कि आप आर में बैठ के डेटा टाइप करते हो। ठीक है, रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि आप बैठ के कुछ डेटा टाइप करते हो अनलेस एंड अंटिल वो खाली 4-5 रोज का है। बड़े बड़े डेटा सेट से डील करते हैं, वो सारे डेटा सेट ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है। एक होता है कलेक्शन, डेटा कलेक्शन टीम, डेटा टीम, वो कलेक्ट करते हैं, वो हमें देते हैं इन CSV फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट व्हाटएवर, एंड हम इसको आर में इंपोर्ट करते हैं। राइट, तो जो भी वैल्यूज मिसिंग होते हैं, जैसे किसी ने पूछा था कि ये NaN क्या है, तो मैंने बोला इसको बाद में करेंगे। सिमिलरली मिसिंग वैल्यूज NA या फिर ब्लैंक स्पेस खाली, तो वो मिसिंग वैल्यूज से कैसे डील करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। राइट यश, इज इट फाइन? डेटा फ्रेम बन जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आप NA डाल के कर सकते हो। So ma'am, we can create that without importing that. यस, यू विल टेक इट एज अ NA, जहां पे आप उसको एज अ Okay. NA ले लोगे, NA नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखो, जस्ट प्लीज स्विच ऑफ योर दिस थिंग एक बार के लिए। यहाँ पे आप NA लिख दोगे अगर, तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। देखो F1 एरर आया, आपका ये NA आ रहा है विच इज अ मिसिंग वैल्यू, दिस इज टेकन एज अ मिसिंग वैल्यू NA। मैंने क्या बोला था, ट्रू फॉल्स NA आर द 3 रिजॉल्व्ड स्ट्रिंग, NA इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स नाउ बिकॉज इसका जरूरत अभी नहीं है, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हील को। इसको समझाने के लिए आई हैव टू एक्सप्लेन मेनी अदर थिंग्स एज वेल। ओके, सो नाउ वील कम टू इंडेक्सिंग। नाउ इंडेक्सिंग इज अगेन द सेम एज दैट वी हैव डन। अगर हम डेटा फ्रेम ए का बात करें, तो ध्यान से देखना, अगर आपको सिंगल, सपोज आपको फर्स्ट रो निकालना है खाली, तो आप वापस से यहाँ पे, क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो अगेन यू विल यूज अ थर्ड ब्रैकेट एंड कॉमा के पहले इज द रो नंबर, कॉमा के बाद इज द कॉलम नंबर। तो सपोज मुझे खाली फर्स्ट रो पूरा निकालना है एंड ऑल द कॉलम्स, तो मैं ऐसे पास करूंगी, आई विल गेट द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। सिमिलरली इफ आई वॉन्ट द सेकेंड कॉलम ओनली, सो ऑल रोज एंड सेकेंड कॉलम, इसको रन करते हैं, सो यू गेट इट इन द फॉर्म ऑफ अ एंटायर वेक्टर। क्लियर? ये हमने कॉलम निकाला है, बट ये कैसे आ रहे हैं, एज अ वेक्टर आ रहे हैं। अभी सीखेंगे कि अगर एज अ कॉलम चाहिए तो कैसे लाते हैं, सीखेंगे एक एक करके। तो अगेन यहाँ पे अगर मुझे सपोज चाहिए, ये दोनों वैल्यूज चाहिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो मैं कैसे डालूंगी, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। मैं इसकी जगह पे 1:2 भी यूज कर सकती थी। देख लो, राइट। सिमिलरली यू कैन डू फॉर, सपोज मुझे चाहिए लास्ट 2 रोज एंड सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, सो आई विल राइट 4 से लेके 5, 2 से लेके थर्ड कॉलम। सो दिस इज, आई होप दिस इज, यू आर क्लियर नाउ कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। अगर आपको नहीं पता कि आपका लास्ट रो क्या है, तो उस केस में आप क्या करोगे? एनीवन इन द चैट बॉक्स, ये हमने कल किया है,
अगर मुझे नहीं पता कि मेरा लास्ट रो क्या है या फिर लास्ट कॉलम क्या है मुझे नहीं पता, वेरी गुड दिव्यानी, मेघा, निधि, हम लोग एन रो यूज करेंगे, वेरी गुड, एन रो, ठीक है। एंड ये जनरली केस होगा क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा फ्रेम्स होंगे जिससे हम डील करेंगे। सी यू हैव दिस एंटायर थिंग, ओके। नाउ वंस वी हैव डन दिस, नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए एक्सेप्ट द सेकेंड कॉलम, तो हम कैसे लिखेंगे चैट बॉक्स में प्लीज, ऑल द कॉलम्स, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सेकेंड कॉलम। वेरी गुड भूमिका, माइनस टू। सिमिलरली यू गो फॉर द, मुझे सेकेंड रो नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट सिंपली, या फिर मुझे फर्स्ट एंड थर्ड रो नहीं चाहिए, अच्छा अगेन मुझे फर्स्ट एंड थर्ड रो नहीं चाहिए एंड बाकी सब कुछ चाहिए, गलत। मनीष यू आर रॉन्ग, यस वंशिका करेक्ट, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड रो नहीं चाहिए बाकी सब चाहिए। माइनस वन और माइनस थ्री नहीं लिखोगे, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। सो ये हुआ एक तरीका। नाउ द अदर वे इज कि हमारे पास ये क्या है, पूरा नेम है, पूरा एज है, सो दिस वॉज योर ए एक्चुअली, तो इसको हम अब और कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट ऑल द रोज एंड द स्मोकर वाला कॉलम, सो आई विल जस्ट सिंपली राइट स्मोकर। देखिए सिमिलरली यू कैन गेट फॉर टू डिफरेंट रोज एंड मतलब टू डिफरेंट कॉलम्स टुगेदर एज। अगर आपको नहीं पता आपके पूरे, अगर आपके पास 20 कॉलम्स हैं एंड मैं आपसे बोलूँ मुझे स्मोकर चाहिए, एज चाहिए, तो यू विल नॉट सिट डाउन एंड कैलकुलेट कि कौन सा पोजिशन पे स्मोकर आ रहा है या फिर कौन से पोजिशन पे एज आ रहा है, यू विल सिंपली राइट एज एंड स्मोकर एंड यू विल फाइंड इट आउट, ठीक है। Now comes the major, major thing, which is subsetting using the dollar sign. This is the most important way of use, you can say one of the most advantages of, big advantages of data frame. एंड यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी आएगा कि हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं एंड उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे चाहिए जस्ट द स्मोकर कॉलम, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए डॉलर स्मोकर, द मोमेंट यू गिव ए डॉलर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा विथ ऑल द कॉलम नेम्स, ठीक है। द मोमेंट यू गिव दिस आपका पूरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा विथ ऑल द कॉलम नेम्स, ट्राई करो उसको एक बार, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट, सपोज आपको एज चाहिए, एज को सिलेक्ट करा टैब क्लिक करके, now you have the age. So this is the benefit of using, similarly आप ए डॉलर नेम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ए डॉलर स्मोकर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वन मोर थिंग यू कैन डू ए डॉलर, क्योंकि यहाँ पे नेम, एज एंड स्मोकर तीन कॉलम्स हैं एंड तीनों का फर्स्ट लेटर्स अलग अलग है, तो आप यहाँ पे सिंपली खाली एन भी लिख सकते हो तो आपका नेम्स आ जाएगा, आप सिंपली खाली एस भी लिख सकते हो तो आपका स्मोकर आ जाएगा। बट व्हाट इफ, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछने वाले हो, व्हाट इफ दो कॉलम है विद एस, विद द इनिशियल एस, तो उस केस में हम लोग फर्स्ट टू
फर्स्ट थ्री जो भी आपको लेना हो, सपोज एस एम होकर, ये चीज एक बार देख लो। मैम कैन वी डू द सेम फॉर रोज? नो नो यू कांट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दीज आर द वेरिएबल्स, दिस इज वेयर द थिंग कॉल्ड वेरिएबल्स कम्स इन। और रुक जाओ, और अभी इस पे वर्क करेंगे अभी। बट आप रोज पे ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि रो का कोई एज सच अकेला मीनिंग नहीं है। अगर मैं खाली आपको निकाल के दे दू आर्टिकल 23 ट्रू, आपको नहीं पता ना कि वो क्या रिप्रेजेंट करे, आपके पास है ही नहीं कॉलम हेडिंग्स। बट इफ आई गिव यू एज, तो उससे एक मीनिंग बनेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एजेस यू हैव इन योर डेटा सेट, व्हाट आर द डिफरेंट स्मोकर स्टेटस यू हैव, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स यू हैव। तो अलग से एक रो निकालने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्स्टली कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो वी कैन ओनली डू फॉर दीज वेरिएबल्स। एंड इसका और भी यूज है, वील कम टू इट एक एक करके, कि डॉलर साइन का क्या मेजर पर्पज है। बट द फर्स्ट थिंग इज, दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट योर डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट कॉलम्स। कैन यू? नो नो, टू कॉलम्स नहीं आ सकते। एक चीज आप कर सकते हो कि अगर आपको एज का, अगर मैं आपको बोलूं आई वॉन्ट द सेकेंड वैल्यू ऑफ एज, सेकेंड वैल्यू ऑफ एज, तो आपका जो ये एज आ रहा था ना, ए डॉलर, सॉरी ए डॉलर एज करके, तो आपका क्या आ रहा था, ये पूरा एक वेक्टर आ रहा था। तो जब आपके पास एक वेक्टर आता है, दिस इज अ वेक्टर, इसका मैं बोल रही हूँ आपको सेकेंड वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करके टू लिख सकते हो, एंड आपका सेकेंड वैल्यू आ जाएगा एज का 21। और यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट मोर देन टू वैल्यूज। इसमें आप वापस से वही सेम तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हो। बट इसमें जब आप इंडेक्सिंग करोगे एज अ वेक्टर इंडेक्सिंग करोगे, क्योंकि ए डॉलर एज इज अ वेक्टर, ए डॉलर एस इज अ वेक्टर, ए डॉलर नेम इज अ वेक्टर, तो आप उसमें जब इंडेक्सिंग करोगे तो आप एज अ वेक्टर इंडेक्सिंग करोगे। If I want to search details of name Archal like her, yes, you can do it. And ये रुक जाओ, उसमें अभी मैं next वही करने वाली थी actually। देखो तो मेरे पास ये पूरा एक डेटा फ्रेम है। नाउ सपोज आई एम आस्किंग सम आस्किंग यू कि मुझे एक देर इज अ गर्ल कॉल्ड दिव्यानी, उसका मुझे ना सारा डिटेल्स दो। अब आपको नहीं पता कि दिव्यानी कौन से रो नंबर में, आपके पास 100 रोज है, यू विल नॉट सिट डाउन एंड फाइंड कि दिव्यानी कौन से रो में आ रहा है, ऑब्वियसली। सो व्हाट यू विल डू इज, ध्यान से देखना, ए इंडेक्सिंग आपको चाहिए क्या, पहले तो आप ये समझो आपको ये चाहिए। मैंने आपको खाली एक चीज बताया है दैट देर इज अ गर्ल नेम्ड दिव्यानी, उसका मुझे सारा डिटेल्स चाहिए। तो यू हैव द नेम दिव्यानी, चलो हम लोग नया दूसरा वाला हमने जो बनाया था सी वाला उसका ले लेते हैं, थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो देर इज अ नेम, देर इज अ गर्ल कॉल्ड दिव्यानी, उसका मुझे सारा डिटेल्स चाहिए। बट यू डोंट नो द रो नंबर, आपको ये वाला रो चाहिए एंड ऑल द कॉलम्स। तो आप यूज करोगे इंडेक्सिंग,
आपको मैंने खाली बताया है आपको ये वाला रो चाहिए, तो आप क्या करोगे, पी डॉलर नेम इक्वल टू इक्वल टू, आपको मैंने नेम दे दिया है दिव्यानी एंड ऑल द कॉलम, सो यू विल गेट द रो जहां पे नेम इज इक्वल टू दिव्यानी, नेम इज इक्वल टू दिव्यानी एंड ऑल द कॉलम. देखो इसको, रन करते हैं, सारे डिटेल्स आ गए. एक से ज्यादा किसी का चाहिए, सपोज आपको चाहिए दिव्यानी एंड शिव फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे पास कर सकते हो उसको सी फंक्शन के अंदर. लॉन्गर ऑब्जेक्ट, ओके, यहाँ पे इक्वल तो नहीं यूज करते, यहाँ पे कुछ और यूज करते हैं विच वील कम टू इट लेटर. हम लोग इन ऑपरेटर यूज करते हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ इन ऑपरेटर यूज करते हैं, वो हम लोग अभी नहीं यूज करना सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, अभी नहीं. ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू फॉर एज, सपोज मुझे चाहिए खाली उन लोगों का, या फिर मैं कर देती हूँ उधर, मुझे खाली चाहिए उन लोगों का जिनका स्मोकर स्टेटस इज ट्रू, स्मोकर स्टेटस इज ट्रू. देख लो, यहाँ पे जो हम ये पूरा कॉल डेटा फ्रेम यूज करें, तो एक और बेनिफिट है ये डॉलर साइन यूज करने का. सपोज मुझे हाइट और वेट इन दोनों से कुछ निकालना है, मुझे सपोज मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता बीएमआई का क्या होता था, बट सपोज मुझे हाइट डिवाइड बाय वेट करना है, हाइट डिवाइड बाय वेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो, सी डॉलर हाइट डिवाइडेड बाय सी डॉलर वेट. ठीक है, इसको रन किया मैंने, तो आपको सारे वैल्यूज मिल गए. बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय दिस, 156 डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे करके आपको ये सारे अलग वैल्यूज मिल गए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज. मैम एन एरर इज कमिंग, किधर, मे बी आपने कुछ गलत किया है, वॉट इज द एरर इफ यू कैन टेल मी, तो मैं और क्लियरली बता पाऊंगी क्या एरर है. नहीं, वैसे नहीं कर सकते प्रियांशी, नहीं, आपने सी छोटा लिखा है वंशिका, आपने इंडेक्सिंग के अंदर छोटा वाला सी लिखा है. प्रियांशी वैसे नहीं कर सकते, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दो, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें. कोई बात नहीं, ये सब इश्यूज आते हैं इनिशियली, बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, फिर ऐसे तो सपोज यश बोलेगा नहीं मैं ऐसे, तुमने बोला कि हमने एक बार में डॉलर दे के हाइट डिवाइड बाई वेट, सो शी इज सेइंग कि सी डॉलर एंड देन ब्रैकेट में हाइट डिवाइड बाई वेट. यश बोलेगा कुछ अपना नया तरीका बता दिया, उसने बोला सी देन ब्रैकेट में डॉलर हाइट डिवाइडेड बाई डॉलर वेट, तो यू कैन गेट मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड वे है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ऐसे ही कर सकते. द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल, ये आई डोंट थिंक आपके उतना यूज आएगा, बट जस्ट दैट यू शुड नो दिस. तो सपोज जब मैं कर रही थी ए इंडेक्सिंग ऑल रोज फर्स्ट कॉलम, तो मेरा ये पूरा एज अ वेक्टर आ रहा था, मुझे अब एज अ वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे अब एज अ डेटा फ्रेम ही चाहिए, तो हम ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे. आई होप दिस वर्क्स. यस,
just understand the difference between this. Again, you might not use this as such, kabhi bhi, but यहाँ पे ये आ रहा था एक वेक्टर के फॉर्म में, तो मुझे नहीं चाहिए एक वेक्टर के फॉर्म में आए, मुझे चाहिए कि एज अ डेटा फ्रेम ही आए, एज अ df ही आए, डेटा फ्रेम ही है. सो मैं ड्रॉप फॉल्स लिख रही हूँ. ड्रॉप फॉल्स लिखने का ये मतलब है कि डू नॉट ड्रॉप द डेटा फ्रेम, डू नॉट ड्रॉप द डेटा फ्रेम. df का मतलब डेटा फ्रेम होता है. सो डू नॉट ड्रॉप द डेटा फ्रेम, गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम. क्लियर ये चीज? Height divided by weight also gives the same answer. No, Simran, height divided by weight gives you the same answer because आपने ऊपर में height weight अलग से बनाया है, आपने height weight अलग से vectors बनाए हैं, इसीलिए आपको मिल रहा है. अगर अलग से नहीं बनाए होते, खाली data frame के अंदर लिया होता, just like this name and age, तो आपका नहीं आता. क्योंकि आपने उसको vectors बनाया है अलग अलग, उसका अलग से एक identity है, इसीलिए आपका आ रहा है. अलग से इसका एक आइडेंटिटी है. देखो यहाँ पे यू हैव दिस आइडेंटिटी हाइट एंड वेट. क्या आपका नेम का कोई आइडेंटिटी है? हाइट लिखने से आ रहा है, बट अगर आप नेम लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए आपका वैसे आ रहा है. ठीक है, ये क्लियर है ड्रॉप वाला चीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, डॉलर साइन क्यों इतना यूज करते हैं? दो तीन एडवांटेजेस तो मैंने दिखा दिए, इसका ये सारे एडवांटेजेस तो मैंने आपको दिखा दिए. एक और चीज है, व्हेन वी ऐड न्यू कॉलम्स टू आवर डेटा फ्रेम, एडिंग न्यू कॉलम्स. एक तरीका तो मैंने किया था जब मैंने ये यूज किया था, मैंने ये वाला सी डेटा फ्रेम जब बनाया था, तो मैंने ये वाला चीज यूज किया था, डेटा डॉट फ्रेम ए कॉमा बी. सिमिलरली आप डी बना दो नया डेटा फ्रेम, डेटा डॉट फ्रेम, आप इसमें ऐड कर दो ए एंड हाइट खाली. दिस इज हाउ यू ऐड अ न्यू कॉलम. अदर वे ऑफ एडिंग अ न्यू कॉलम इज द फंक्शन कॉल्ड सी बाइंड. सी बाइंड जैसे हमने पहले भी यूज करा है, सी बाइंड. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जी एच करते हैं, C bind again A comma height. C bind is column binding, जैसे हमने कल किया था. तो आपका H देखो क्या आ जाएगा, you will get the drop से हमारा यश. आप देखो यहाँ पे एक vector के form में आ रहा था, this was coming in the form of a vector. Drop falls करने से अभी data frame के ही form में आ रहा है, which means do not drop the data frame. Keep it as the data frame. ठीक है, सी बाइंड से भी यूज कर सकते हो आप. अगेन द सेम थिंग, द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज यूजिंग अ डॉलर साइन. तो यहाँ पे एच में मुझे वेट भी एड करना है. वी हैव अ वेक्टर ऑलरेडी मेड, वेट वाला वेक्टर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, देख लो. तो यहाँ हम क्या करेंगे, एच डॉलर, यहाँ पे वेट है नहीं, प्लीज ये ध्यान से सुन लो एक बार, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. तो ये हमारा एक वेट का कॉलम है नहीं इधर, बट हम यहाँ पे लिखेंगे वेट एंड देन आई विल राइट वेट अगेन. दिस इज अ वेक्टर, यू कैन गिव अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ दिस सी फंक्शन ऑल्सो, यू कैन गिव द वेक्टर और यू कैन गिव द नेम ऑफ द वेक्टर. ये वाला था नहीं अभी, एच में देखो वेट है नहीं, बट मैंने डॉलर के साथ अपेंड कर दिया वेट. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम वेट, तो ऐसे हम कर सकते हैं क्रिएट. अगर आपको इसको कोई और नेम भी देना है, अगर आप वेट वन भी देना चाहते हो, यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट. आप कोई भी नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, उसको आप असाइन कर रहे हो, आप एक नया वेरिएबल, नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो एंड उसमें आप ये वाला वैल्यू डाल रहे. सो लेट मी रन दिस. अभी हम लोग अगर एच रन करें, सो वी हैव वेट वन. क्लियर है, देख लो इसको एक बार.
Yes, maybe you can unmute yourself and ask the question. Ma'am, can you explain this adding the new value thing again? Okay. Ma'am, if we use yes, yes, you can do that. Chalo, dekho. Now, Nidhi, so basically, agar aapka H pehle tha, aise, jahan pe koi aur ek dusra column nahi tha, agar aapko dusra column add karna hai idhar, to you can just simply use this dollar and you can write whatever column name you want to create. Theek hai, column ka naam aap likh do, weight one, any name, X, Y, Z, kuch bhi. एंड उसमें आपको जो भी वैल्यूज असाइन करने हैं वो वैल्यूज आप इधर लिख दो. नाउ दीज विल ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर और फैक्टर व्हाटएवर. मेरा ऑलरेडी वेट का एक वेक्टर बनाया हुआ था तो मैंने सिंपली खाली वही डाल दिया. अगर आपको सी फंक्शन के फॉर्म में डालना है आप वैसे भी डाल सकते हो. मैंने मेरा ऑलरेडी एक वेट बनाया हुआ था इधर, देख लो, मेरा ऑलरेडी एक वेक्टर बनाया हुआ था तो मैंने सिंपली उसको डाल दिया. अगर आपको सी फंक्शन के फॉर्म में डालना है आप वैसे भी डाल सकते हो. So basically, I want to create a new column with this particular name. So H dollar, मतलब मैं H में, H is the data frame, उसमें मैं append कर रही हूँ ये वाला नया column and उसमें मैं ये वाला values डाल रही हूँ. So once you run this, you will get this new column. ठीक है? Yes, Vashisht. मैं आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं. I just wanted to see the drop function. मैं दिखना दूंगा उसको. ठीक है. हाँ, ठीक है. Thank you. Okay. So Yash is saying अगर हम A name use करें. आप कर सकते हो यश, कोई दिक्कत नहीं. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, राइट. सो नेक्स्ट द मेन थिंग जो मुझे एक समझाना है, एडिंग अ न्यू रो उसमें तो आएंगे, दैट इज सिंपल. द डिफरेंस, ये अब आपका सब कुछ क्लियर होगा. द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉलम नेम्स, तो स्टार्टिंग में कोई पूछ रहा था मुझसे कि मुझे डाउट होता है कॉलम नेम्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो दीज आर द कॉलम नेम्स, राइट? नेम, एज, स्मोकर, ये सारे कॉलम नेम्स हैं. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एच इज एन ऑब्जेक्ट. दिस हाइट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने एक वेक्टर बनाया था ऊपर हाइट का, मैंने एक वेक्टर बनाया था वेट का. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको अपने पूरे आर में करंटली कितने ऑब्जेक्ट है वो आपको जानना है, सो यू कैन राइट द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड जस्ट सिंपली रन इट. यू विल गेट ऑल द ऑब्जेक्ट विच आर देयर. सो वी हैव ए टू एच, ये सारे हमारे डेटा फ्रेम्स है जो हमने बनाया है, एंड ये हमारा दो वेक्टर्स है जो हमने बनाया है. So these are the objects. What are the objects? Objects are something in which you put in some value, as in it's a vector, it's a factor, data frame, matrix, whatever. ठीक है? Now, अब एक बहुत major चीज which I want to explain you all. This is one thing which sometimes even I do this wrong. मतलब मुझे पता है ये क्या है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, बट हो सकता है कि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है ना, हम गलत कर देते हैं. तो हमारे ये डिफरेंट हाइट्स हैं, एंड मैंने जो सी बनाया था अपना, मैं वो आपको दिखा देती हूँ. तो देखो, ये जो हाइट्स है, मैंने याद करो सी बनाया था डेटा डॉट फ्रेम ए एंड बी को मिला के. बी में हमारा हाइट्स था अलग अलग, इफ यू ऑल रिमेम्बर. तो ये और ये सेम है, ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि मैंने यही हाइट यूज करा है. सपोज वशिष्ठ का हाइट इंक्रीज हो गया 156 से 170 हो गया, फॉर एग्जाम्पल.
सपोज वशिष्ठ का हाइट 156 से हो गया 170 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये मैंने हाइट को अपडेट कर दिया. अब हम एक बार हाइट को रन करते हैं वापस, तो देखो हाइट में ये अपडेट हो गया 156 से, अभी क्या हो गया, पहले था 156 अभी हो गया 170. वापस से सी रन करते हैं, डेटा फ्रेम में देखो हाइट अपडेट नहीं हुआ. कैन एनीवन टेल मी ऐसा क्यों, क्यों इधर नहीं अपडेट हुआ? करेक्ट, क्योंकि वंस यू हैव क्रिएटेड सी, द ऑब्जेक्ट सी हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, ऊपर में इट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, इट हैज ऑलरेडी बीन असाइंड द ओरिजिनल हाइट्स. तो या तो आप इसको वापस ऊपर जाके रन करो, या द बेटर वे जो मैं आ रही थी जिसमें कि क्यों हम यूज करते हैं, द बेटर वे ऑफ डूइंग इट इज हम डॉलर यूज करेंगे, डॉलर हाइट, एंड यहाँ पे वी विल असाइन दीज न्यू हाइट्स. तो आइदर यू कैन पास दिस कमांड, और यू कैन, क्योंकि अभी हमारा ये हाइट वाला कॉलम अपडेटेड, वेक्टर अपडेटेड है, तो या तो आप डायरेक्टली हाइट भी यूज कर सकते हो, और व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन सिंपली राइट यहाँ पे हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है. अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपको इसको वापस से चेंज करना पड़ेगा, बट आपने अपडेट कर दिया, so you can do any of these two. इसको रन करते हैं and C को रन करके देखो, अभी 156 से 170 अपडेट हो गया. क्लियर? दिस इज वन ऑफ द मेजर, ये अभी आप लोग को लगा होगा मे बी सिंपल है यार, ये तो पता था, बट ट्रस्ट मी ये एक ऐसा चीज है ना जो मोस्टली हम जल्दी जल्दी में या फिर मे बी दिमाग से निकल जाते हैं, एंड वी स्किप दिस थिंग, ये हम भूल जाते हैं अपडेट करना. This is the most common error which I have seen. क्योंकि मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, and I have seen many people doing this, committing the same error. ठीक है, मैंने हाइट को चेंज करा था नैनश्री इधर, इसको मैंने 156 से 170 करा था, मैंने इस वेक्टर को चेंज किया था, बट मेरा जो डेटा फ्रेम था वो चेंज नहीं हुआ, वो 156 ही था, उसमें तो हाइट चेंज होना चाहिए था ना, जो आप यहाँ चेंज कर रहे हो, तो यहाँ क्योंकि दिस इज अ ऑलरेडी प्री डिजाइंड प्री क्रिएटेड डेटा फ्रेम, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. टू चेंज द वैल्यू यू हैव टू रन इट अगेन, यू हैव टू अपडेट इट अगेन, इसीलिए हमने ये पूरा चीज किया. क्लियर टू एवरीवन? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. ग्रेट. तो अभी के लिए आपको थोड़ा सिली लग सकता है ये वाला चीज कि यार ये तो सिली चीज था बहुत, ये तो हमें पता है, बट ट्रस्ट मी आपसे ये पक्का गलती कमिंग 6 मंथ्स में या ऐसे कभी भी आप जब आर यूज करोगे, कभी ना कभी ये गलती आप कमिट करोगे ही करोगे. लाइक दिस इज अ रूल, इफ यू आर वर्किंग इन आर, दिस इज अ रूल दैट यू विल कमिट दिस एरर, एंड फिर वापस ऊपर जाके पूरा करना पड़ेगा सब कुछ. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगर हम अब हमें नया रोज ऐड करना है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉलम्स. कॉलम्स दीज आर द वेरिएबल्स, बट ये अपने आप चेंज नहीं होता, इसको आपको चेंज करना पड़ता है. ऑब्जेक्ट इज समथिंग वंस यू हैव क्रिएटेड इट इज डन. अगर आप उसके कॉलम्स को चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, आपको ऑब्जेक्ट वापस से चेंज करना पड़ेगा खुद से अलग से. टू एड न्यू रोज इज वेरी सिंपल, अगेन हम लोग इसमें यूज करते हैं आर बाइंड. तो सपोज मेरा एक, मैंने एक नया रो बनाया है, सपोज आई, ठीक है, आई इज माई रो, एंड मैं इसमें अपडेट करने का सोच रही हूँ इन माई सी जो हमारा डेटा फ्रेम है. तो इसके लिए हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ता है. हम अगर डेटा फ्रेम में हमें एक रो डालना होता है ना, तो हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, हमेशा याद रखना. यू कैनॉट सिंपली क्रिएट अ वेक्टर,
क्यों, कोई मुझे बता सकता है क्यों वेक्टर नहीं क्रिएट कर सकते? अनम्यूट करके बताना पड़ेगा प्रियांशी, उससे पहले. ओके प्रियांशी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्विकली आस्क योर क्वेश्चन. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज नहीं आ रहा है प्रियांशी, टाइप कर दो. ओके हाँ, तो तब तक मुझे बताओ कि वाया कॉज इन यूज अ नेम इज नॉट असाइंड. नहीं वंशिका, का क्यों हम वेक्टर नहीं बनाते एंड उसको अपेंड करते नीचे, क्यों हम डेटा फ्रेम बनाते? दिस इज अ वेरी ट्रिकी येट वेरी सिंपल. यस देवांश. मुझे सुन नहीं रहा कि आप बोल नहीं रहे हो कुछ. मिस, कैन वी रिमूव अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम? यस एब्सोल्युटली करेंगे. ठीक है उसमें आएंगे. वी कम टू योर क्वेश्चन प्रियांशी. निधि, वेक्टर कैन ओनली हैव आइदर. वेरी गुड वेरी गुड. अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं तो उसमें या तो आप खाली कैरेक्टर डाल सकते हो या तो खाली न्यूमेरिक. तो अगर आप ये डालोगे कुछ तो वो सारा कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा. तो इसमें आप नीचे अपेंड कैसे करोगे उसको? सो यू विल हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, क्योंकि इसके पहले आपने जो भी पढ़ा है मेट्रिसेस वेक्टर्स फैक्टर्स सब में सिंगल टाइप ऑफ डेटा ही जा सकता है. करेक्ट, दिस इज द मेजर थिंग. सो डेटा फ्रेम अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं. किसका नाम मैं लेती हूँ? निधि ने बताया तो निधि का नाम ले लेते हैं. चलो अभी एज मैं कुछ भी ले रही हूँ रैंडमली, सो डोंट. ठीक है ये मैंने लिया. नाउ आई विल सिंपली यूज आर बाइंड. सी के साथ आर बाइंड कर देते हैं आई को. एक एरर आ रहा है, एरर इन मैच डॉट नेम्स, नेम्स डू नॉट मैच द प्रीवियस नेम. ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो डेटा फ्रेम बना दिया, आर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो समझ जाएगा कि ये नेम है, ये एज है, ये हाइट है, ये वेट है. अरे उल्टा भी तो लिख सकते हैं कोई, इसको वेट भी लिख सकता है, इसको हाइट भी लिख सकते हैं. तो इसीलिए बी मोर स्पेसिफिक. जो अब हम बोलते हैं बी मोर स्पेसिफिक, तो हमें यहाँ पे भी वील हैव टू बी मोर स्पेसिफिक. जनरली दिस विल नेवर बी द केस कि आपको खुद से ऐसे इनपुट कुछ करना पड़ रहा है, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है. देखो मैंने यहाँ पे आई डेटा फ्रेम बना के इधर अपेंड किया, इसका नाम आई नहीं आया. ये कॉलम, ये जो रो नंबर है वो 6 आया, यहाँ पे आई आना चाहिए था ना? नहीं. कितना स्मार्ट है आर. आर बोल रहा है कि मुझे पता है आप रो अपेंड कर रहे हो तो इट शुड बी नंबर 6. ठीक है नाउ वी आर डन विद डेटा फ्रेम्स. अभी आपके जो क्वेरीज है, प्रियांशी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. कैन वी रिमूव अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम? तो अगर दिव्यानी को ये रिमूव करना है, दिस इज योर टेस्ट. कौन बताएगा मुझे? ट्राई करो एंड देन वी मूव टू डेटा फ्रेम, एरे एंड लिस्ट. अगर हम आज एरे और लिस्ट कर लेंगे ना तो हमारा सारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन जो नेक्स्ट है. तो मुझे और 10 10 मिनट्स. यस वशिष्ठ बोलो. नहीं वो मैं सोचा था कि हटाने के लिए आरएम करके फिर उसको इंडेक्स कर देना, आरएम और फिर डेटा फ्रेम को इंडेक्स कर. कोड लिखने का ट्राई करो, मुझे बताओ. ट्राई टू राइट द कोड. चैट बॉक्स में मुझे चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आपको कोड लिखना है ना. तो आप चैट बॉक्स में लिखने का ट्राई करो. जस्ट लुक एट माय स्क्रीन एंड टाइप इट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई एम जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स टाइम, तब तक आप लोग ट्राई करो.
सार्थक ने तो पूरा ही कुछ भी लिख दिया, मतलब उसने कुछ भी लिख दिया ऐसा, तो आई डोंट थिंक कर पाएंगे. लेट अस ट्राई, कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं इधर. तो ही इज सेइंग सी, भाई पहली बात तो आपने सी में से आपने ये ब्रैकेट कैसे ले लिया, गलत. आप ये ब्रैकेट कैसे यूज कर सकते हो, रॉन्ग. दिस मेक्स नो सेंस टू मी, सो आई विल नॉट रन दिस. ये बच्चे ने बहुत सही बताया, यश, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड. अच्छा इसने तो मुझे हटा दिया, ठीक है. अगर मुझे हटाना है तो इसने क्या किया है, इंडेक्सिंग यूज करा. ये रन करते हैं, इसका मीनिंग है फिफ्थ रो को हटा दो. अच्छा ही स्ट्रैंग विथ जो आपका ए वाला जो डेटा फ्रेम था, सो फिफ्थ रो हटाया एंड ऑल द कॉलम्स, ठीक है. तो ये इसको असाइन कर दिया वापस ए में. वेरी 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 गुड. दिस मीन्स यश, यू विल नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ इंडेक्सिंग इन लाइफ. यू आर फुल्ली पास, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से बना लेते हो ना, आपको लाइफ में इंडेक्सिंग में तो कभी डर नहीं लगेगा. वेरी गुड, देवांश ने भी सही बताया. मैम आई ट्राइड दिस बट इसमें रो नंबर्स नहीं चेंज होगा. हाँ रो नंबर्स नहीं चेंज होगा. तो सपोज इंस्टेड ऑफ फिफ्थ रो मैं अगर सेकेंड रो हटाऊं बीच का, तो रो नंबर्स नहीं चेंज होगा. दैट इज द ब्यूटी ना, दैट इज द ब्यूटी. यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा रो आपने डिलीट किया है. वो आगे जाके जब आप डेटा एनालिसिस मैनिपुलेशन एंड ऑल करते हो, तो उसमें आपका और सही रहता है कि आपको पता है कि आपने कौन सा रो हटाया है. अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सा रो हटाया है. कॉलम कैसे हटाते हैं, स्मोकर का कॉलम कैसे हटाएं? ट्राई करूं, ट्राई करूं. ठीक है, तो निधि ने बता दिया. अदर वे, एनी अदर वे, डॉलर वाला साइन यूज करके कर सकते हो क्या? -3, डॉलर वाला साइन यूज करके कर सकते हो क्या? चलो डॉलर वाला साइन करके बताती हूँ यूज, वो आप लोग नहीं कर पाओगे, ट्राई, आई एम प्रिटी श्योर. तो ये हमारा नया ए है, इसमें मुझे अगर एज हटाना है तो देखो हम कैसे हटाते हैं. ए डॉलर एज, इसको असाइन कर देते हैं नल. नल का मतलब होता है नल रिप्रेजेंट्स अ नल, नल रिप्रेजेंट्स अ नल ऑब्जेक्ट इन आर, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड वर्ड सॉरी. नल इज ऑफन रिटर्न बाय एक्सप्रेशन एंड फंक्शन हुज वैल्यू इज अनडिफाइंड. तो बेसिकली नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली. तो अगर आप ये करोगे एंड देन आप ए रन करोगे तो ए आपका गायब. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, ए डॉलर एज मैंने उठाया, इसको उठाया एंड इसको मैंने नल बना दिया. मतलब नाउ दिस एज वाला कॉलम इज सिंपली नल, नो ऑब्जेक्ट. क्लियर हाउ टू रिमूव कॉलम्स एंड रोज? ग्लैड कि प्रियांशी ने ये क्वेश्चन पूछा. रिमूव, थैंक यू प्रियांशी, रिमूव रोज एंड कॉलम्स. क्लियर है? ओके नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन डेटा फ्रेम. यू हैव टू डू दिस वेरी छोटा सा असाइनमेंट. दिस इज वेरी 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 स्मॉल टास्क, 2 मिनट लगेगा. ये आपको कंप्लीट करना है, ये आप लोग करोगे. नेक्स्ट जस्ट मुझे अभी आपका 10-15 मिनट्स चाहिए. आई विल फिनिश एरेज एंड लिस्ट. ये बहुत छोटा सा है, बड़ा बड़ा नहीं है जैसे पहले के सारे थे. नाउ व्हाट आर एरेज? एरेज आर समथिंग विच यू विल नेवर एवर यूज. आई हैव नेवर यूज अभी तक. मैंने बहुत कुछ सीखा है आर में, बहुत कुछ किया है, बट नेवर हैव आई यूज एरेज. स्टिल इट्स अ मे बी कभी कभार मैं यूज कर लूँ, अभी तक तो नहीं किया मैंने. एरेज आर, या फिर इनडायरेक्टली यूज किया होगा, एरेज आर बेसिकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. अभी तक आपने क्या किया था? मेट्रिसेस
Devansh, you can try that. ठीक है, try करो. You अभी तक आपने किया था matrices, data frames which were two dimensional, rows and columns दोनों होते हैं. Arrays are something which has multi-dimensional objects. It's a multi-dimensional object meaning row, column and एक और एक third dimension होते हैं. Now the major thing is it can only store values of similar kind. तो हम लोग बोलते हैं these are matrices. Arrays are also matrices with more than two dimensions. तो इसीलिए जब हम लोग कल क्लास कर रहे थे मैट्रिक्स में, तो उसमें क्या आ रहा था, मैट्रिक्स एरे, याद है? दिस वाज द क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था वी विल डू इट. सो एरेज आर जस्ट लाइक मैट्रिसेस, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कि हम इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, इट्स दो से ज्यादा डायमेंशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं. ठीक है, सो आई विल क्विकली टेक जस्ट वन एग्जाम्पल जो मैंने ढूंढा है, एंड देन वी नॉट बॉदर अबाउट एरेज कभी भी. मे बी कभी आपको यूज करना पड़ जाए. सो लेट अस क्रिएट टू डिफरेंट, मैं वेक्टर्स बनाती हूँ इधर. एक एन बना लेते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं वैल्यूज 1, 5 and 6. एंड एक बना लेते हैं एम, इसमें असाइन कर देते हैं वैल्यूज 7, 2, 3 रैंडमली सम वैल्यूज. ठीक है, तो क्रिएट अ एरे हमें पास करना होता है अगेन द फंक्शन एरे. इसके अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो अगेन एरे में डेटा, अ वेक्टर गिविंग data to fill the array. So it should be in the form of a vector always. It cannot be in the form of matrix or anything else. It should always be in the form of a vector. One single vector. So kya aap n, m dal sakte ho idhar? Yes or no? No. It should be one single vector. Kyunki yahan pe likha hai a vector. The data can be a vector. So yahan pe hum dalenge c n, m. This is the data which we have given. Okay? And then the major thing is you give the dimensions. You give the dimensions. Now, dimensions jo hote hain, this is not a single dimension. Ye kaise jaate hai? First, you give the number of rows aapko kitna chahiye. So, let us suppose mujhe 3 rows chahiye. Kitne column chahiye? 3. अच्छा, मैं थोड़ा चेंज करती हूँ इसको. 4 रोज चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, एंड कितने डिफरेंट मैट्रिसेस चाहिए. अभी जस्ट मैं रन करने दो मुझे पहले, एंड देन आई विल शो यू ऑल. तो एरर आ रहा है, इट इज सेइंग कुछ गलत किया मैंने. मैंने एन और एम डेटा इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने सी नहीं यूज करा. चलो, सो नाउ व्हेन आई रन दिस, अब ये समझते हैं कि ये आ क्या रहा है. ठीक है, इसको समझो कि ये क्या आ रहा है. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. देखो, तो यहाँ पे दीज आर समझ लो कि एक मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल, तो ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, क्योंकि अगेन वी हैव ओनली सेम डेटा टाइप. अगर आप कोअर्सिंग करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. वो सेम डेटा टाइप में कोअर्स हो जाएगा. आई विल नॉट डू दैट. यहाँ पे कितने कॉलम्स है हमारे पास? 3 कॉलम्स है. दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने रोज है हर एक मैट्रिक्स में? 4 रोज है हर एक में. एंड कितने मेट्रिसेस हैं? दीज आर द नंबर ऑफ मेट्रिसेस. 2 मेट्रिसेस हैं. ठीक है, सो कॉमा कॉमा 1, मतलब कि 4 रोज 3 कॉलम्स 1. दिस इज फर्स्ट मेट्रिक्स, दिस इज द सेकेंड मेट्रिक्स. अब डेटा बना कैसे समझो. एन में क्या था? एन में क्या था? 1, 5, 6. सो 1, 5, 6 अगेन कॉलम वाइज पॉपुलेट होता है. एंड देन यू हैव 7 वाला पूरा चीज.
एंड वापस ये रिपीट हो रहा है 1, 5, 6, तो इट्स गेटिंग रिसाइकल्ड बेसिकली, द एंटायर डेटा इज गेटिंग रिसाइकल्ड. ये समझो, एंड अगर आपको जो भी डाउट है, दिस इज वन मेट्रिक्स, दिस इज अनदर मेट्रिक्स, दोनों के 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो गिव नेम्स टू देम. अगर आपको कॉलम नेम एंड रो नेम्स देना है, आप अलग अलग नहीं दे सकते हो कि अगर आप इसको अलग नेम देना चाहो, इसको अलग नेम देना चाहो, आप वो नहीं कर सकते हो, आपको सेम नेम ही देना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू इज, एंड एक चीज और मुझे दिखाना है, एक चीज और मुझे दिखाना है, व्हाट इज द टू फॉर, दिस इज फर्स्ट मेट्रिक्स, दिस इज सेकेंड मेट्रिक्स, तो इसीलिए टू है, टू मेट्रिसेस, वन फर्स्ट मेट्रिक्स, टू मेट्रिक्स. ठीक है, दो मेट्रिसेस बने ना, टू थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये. यूज यार मुझे नहीं पता, यूज यूज हम बहुत कम करते हैं जनरली. आई थिंक इसको हम जब हमें एक से ज्यादा मेट्रिसेस चाहिए होता है एक जगह पे टू रिप्रेजेंट समथिंग, लाइक अगर ये पर्टिकुलर एज हो गया, ये मे बी कुछ और है, एंड वी हैव फॉर डिफरेंट पीपल, मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो उस हिसाब से हम जनरली यूज करते हैं. बट अगेन एज आई सेड, इसका यूज बहुत बहुत कम है. तो दिस दीज आर द रो कॉलम नंबर्स. नाउ यू कैन सी 1, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 6, 1, 5, ये 5, 6, 7 जो है इधर, एंड देन अगेन ये 7 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये 2 कहाँ है वो नेक्स्ट वाले से स्टार्ट हो रहा है. सो इट्स एक्चुअली दिस वे, इट्स गेटिंग रिपीटेड यहाँ से. सो इट्स 5, sorry 7, एंड देन वी हैव 2, 3 वैसे पूरा. ठीक है, एंड अगर आपको रो नेम्स कॉलम नेम्स देने हैं तो आप वो भी दे सकते हो. सपोज आप रो नेम्स देना चाहते हो R1, R2, R3, R4, क्योंकि 4 रोज हैं. कॉलम नेम्स देना चाहते हो सपोज अगेन C1, C2 एंड C3, एंड अगर आपको इस मैट्रिक्स का नाम भी देना है तो लेट मी से मैट एंड आई विल डिफाइन दिस एज M1 एंड M2. ठीक है, तो अब अगेन जैसे हमने हमेशा यूज करा है, इन ऑर्डर टू गिव द नेम वील यूज डिम नेम्स, विल यूज डिम नेम. तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिम नेम्स, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगी लिस्ट. हम एक लिस्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे. नाउ लिस्ट ऑब्जेक्ट में लिस्ट क्या होता है अभी इसके बाद ही जस्ट पढ़ेंगे. लिस्ट में एक एक करके, जैसे मैंने याद होगा आपको मेट्रिसेस करवाया था एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, पहले हम यहाँ पे रोज देंगे. सो रो मेरा कहाँ है, रो में, देन आई हैव कॉलम एंड देन आई हैव मैट फॉर मेट्रिसेस. तो रो, कोल एंड मैट, तो ऐसे करके वी कैन गिव द नेम. व्हाई डिड द सेकेंड मैट्रिक्स स्टार्ट विद 2, ये मैंने समझा दिया आई गेस, 7 एंड ये रिसाइकल हुआ ना पूरा, 7 के बाद 2 है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ. ठीक है संचित, लास्ट थिंग जस्ट यहाँ पे कि हम इसमें इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो इंडेक्सिंग भी यहाँ पे 3 बनेगा, जैसे पहला रो फिर कॉलम एंड देन विच मेट्रिक्स यू वॉन्ट द वैल्यू फ्रॉम. सो मे बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट मेट्रिक्स, तो देखो क्या आया 5 बेसिकली, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट मेट्रिक्स. अगर आपको पूरा फर्स्ट मेट्रिक्स चाहिए तो कॉमा कॉमा 1, ऑल रोज ऑल कॉलम एंड फर्स्ट वाला आपका पूरा मेट्रिक्स आ जाएगा. आप सिमिलरली यहाँ पे नेम्स भी दे सकते हो, कॉमा कॉमा यू कैन राइट M1. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ इंडेक्सिंग, जैसे आप इंडेक्सिंग करते हो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो. जस्ट दैट यहाँ पे 3 चीज जाएंगे. आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को कभी जनरली यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा,
मे बी समवेयर और दी अदर द एरे इज गिवन टू यू एंड उसमें आपको कोई एक ऑपरेशन करना है, दैट इज इट, अदरवाइज नहीं. अगर ये क्लियर है तो ये मुझे थम्स अप दे दो. आई विल मूव टू द लिस्ट. एक्चुअली इसका जो अगर हम यूज का बात करें एरे का, तो ये यूज हम कर सकते हैं. अप्लाई फंक्शन एक फंक्शन होता है. सो व्हेन वी मूव अहेड मे बी इन आर कमिंग क्लास और उसके बाद वाला क्लास वी विल जस्ट हैव टू थ्री मोर क्लासेस फॉर बेसिक्स. तो उसमें हम एक फंक्शन करेंगे अप्लाई फंक्शन. उस फंक्शन में हम ये एरे को यूज करके आई विल शो यू ऑल कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. सो दैट आई कैन शो यू. ओके. ग्रेट. ये क्लियर है सबको? एक बार जस्ट जल्दी से थम्स अप दे दो मुझे. ग्रेट. नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट. नाउ लिस्ट आपने डायरेक्टली नहीं यूज किया है बट इनडायरेक्टली आपने अभी तक ऑलरेडी दो तीन बार यूज कर लिया है डिम नेम्स के अंदर. बहुत इंटरेस्टिंग होता है लिस्ट. बहुत सिंपल है वो, जल्दी से हम लोग सीखते हैं. एंड इसका यूज हम आगे जाके देखेंगे जब हम अलग अलग फंक्शन सीखते हैं. लाइक हम लोग जब मॉडलिंग लीनियर मॉडल्स बनाएंगे या जो भी आगे जाके लीनियर मॉडल्स GLM मशीन लर्निंग में, तो उस केसेस में जो आपका आउटपुट आता है ना वो एक लिस्ट के फॉर्म में आता है. तो तब आपको और क्लैरिटी बनेगा. अभी इस पॉइंट पे आप वो सब नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने वो सब सीखा नहीं है. बट लिस्ट इज समथिंग विच आर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो हमने एरे कर लिया. वी नो हाउ टू क्रिएट, वी नो हाउ टू डू द इंडेक्सिंग एज वेल. नाउ वी कम टू द लिस्ट. सो अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज कॉम्पोनेंट्स which can be any object. So a list is an object of different objects like vectors, matrices, data frames together can make a list. Ya fir they can be a list of lists. So different objects together make a list. These are known as different components. Suppose aap ek list bana rahe ho of maybe vector, matrix, data frame. These are known as different components of the entire लिस्ट. ठीक है. सो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कैन बिलोंग टू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा. यानी कि एक हो सकता है कैरेक्टर वेक्टर, एक हो सकता है न्यूमेरिक वेक्टर, एक हो सकता है मैट्रिक्स, एक हो सकता है डेटा फ्रेम. एंड ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट विद इन द सेम लिस्ट. ठीक है. एक एग्जाम्पल लेंगे खाली हम, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे. सो सपोज मुझे एक लिस्ट बनाना है एल. इसका अगेन द फंक्शन गोज एज लिस्ट. बहुत ही सिंपल फंक्शन है, बहुत ज्यादा सिंपल फंक्शन है. एंड इसमें अगर आप देखो कैसे बनता है, यू गिव डॉट 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 है. सो बेसिकली यू जस्ट गिव ऑल द ऑब्जेक्ट्स, नेम्ड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली. तो आपने एक इधर दे दिया. सपोज हम एक बना देते हैं एक सिंगल कैरेक्टर ऑब्जेक्ट, दिस इज अ लिस्ट. ठीक है. ये क्या है कोई बता सकता है मुझे? ये क्या है क्विकली कोई मुझे बता सकता है? सिर्फ ये क्या है? ये P जो मैंने लिखा है ये क्या है? एकदम स्पेसिफिक होके बताना. वेरी गुड. कैरेक्टर वेक्टर है. तो एक मैंने कैरेक्टर वेक्टर डाला. एक डाल देते हैं हम न्यूमेरिक वेक्टर 1 से लेके 4. चलो एक हम डाल देते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स डाल देते हैं चलो 1 से लेके 9 तक. एंड नंबर ऑफ रोज देना जरूरी है. लेट मी गिव 3 रोज. एंड एक मैं बना देती हूँ डेटा फ्रेम एस. अगेन यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक्स इक्वल टू. ठीक है. तो ये मैंने दे दिया एक पूरा लिस्ट. इसको रन करते हैं. So possibly I have given all the named objects. These are the 4 objects: character vector, numeric vector, matrix, and a data frame. And अब इसको run करके देखते हैं कितना interesting है ये. देखो इस पूरे चीज को समझो. So you have L, $P, $P, and आपका ये पहला वाला object है.
dollar q, you have this object, dollar r, dollar s. So these are the different objects which we have created within a single list. Basically, isko hum kya bolte hain, not objects, but four different components which is there in a single list. ठीक है, तो अब सपोज मुझे खाली ये एक्सट्रैक्ट करना है p, तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, l dollar p के जैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज अ लिस्ट, राइट. सिमिलरली l dollar डेटा फ्रेम एक्सट्रैक्ट करने, एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो वेक्टर्स होते हैं उसके साइड में ऐसा पिंक कलर का एक रेक्टेंगल होता है, एंड जो मैट्रिसेस एंड डेटा फ्रेम्स होते हैं उसके साइड में ये एक बॉक्स होता है. क्यों होता है, यहाँ पे भी मैंने कल एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, बट बेसिकली ये जो चीज है यहाँ पे एक सिंगल आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो एक अलग से ये व्यू खुल जाएगा. जैसे सी पे क्लिक करते हैं, इस पे आप जस्ट क्लिक करोगे इस बॉक्स पे तो आप देखना एक अलग से एक व्यू खुल जाएगा. दिस लुक्स लाइक एक्सेल, समवॉट लाइक एक्सेल, एंड आपके सारे वैल्यूज हैं. यू कैन ऑल्सो फिल्टर देम, तो अभी हम लोग, मैं ये सब नहीं सिखा रही आपको, वील कम टू इट लेटर. यू कैन फिल्टर देम, यू कैन सॉर्ट देम, ठीक है, यू कैन सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू एज, नंबर, नेम, वैसे करके आप सॉर्ट कर सकते हो इसको. एंड दिस इज हाउ यू जस्ट लुक एट इट. एंड इसका फंक्शन होता है व्यू विथ कैपिटल वी, व्यू विथ कैपिटल वी, कैपिटल वी के साथ अगर आप डालोगे, सपोज ऑब्जेक्ट, सपोज हमें देखना है ई, देखते हैं कैपिटल वी के साथ, तो अपने आप आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा. दिस लुक्स लाइक एक्सेल, या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, दिस स्मॉल बॉक्स विच यू सी ओवर हियर इन द ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो, ठीक है. सो दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि क्यों ये बॉक्स आ रहा था. हर चीज पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे बॉक्स क्यों आ रहे हैं, दिस इज द रीजन. तो हमने इसका डेटा फ्रेम भी एक्सट्रैक्ट करके देखा कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. अदर वे ऑफ डूइंग इट इज, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर आर है. सो बेसिकली दो इंडेक्सिंग का ब्रैकेट हम यूज करते हैं, एंड मैं अगर वन लिखूँ इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, पहले वाला पी. सो बेसिकली दो क्यों यूज करें, क्योंकि दिस इज एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्पोनेंट विच आर एक्सट्रैक्टिंग. तो टू डिमार्केट दैट आपको दो इंडेक्सिंग वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐसे किया. तो सपोज मैं एक और चीज दिखाती हूँ, अगर हम इसमें थ्री लिखें तो हमारा ये क्या आ गया, मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ये दो ब्रैकेट सिग्निफाई करता है कॉम्पोनेंट. आपको कोई कॉम्पोनेंट एक्सट्रैक्ट करना, अदरवाइज डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. एंड अगर आपको इस थर्ड कॉम्पोनेंट का, अगर आपको थर्ड कॉम्पोनेंट का इस लिस्ट, इस मैट्रिक्स का सपोज आपको ये निकालना है, दिस वैल्यू, सो हाउ विल यू डू इट, दिस इज बेसिकली द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम, सो यू विल जस्ट राइट 2, 3, आपका आ गया 8. बताओ यहाँ तक क्लियर है? लिस्ट का क्या यूज है ये आपको विथ टाइम समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने बोला लीनियर मॉडल फंक्शन एंड मॉडल रिग्रेशन जब करते हैं, वो सब जब करते हैं हम लोग, तो उसका जब एक पूरा समरी आउटपुट आता है तो वो आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म में आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं. डेटा फ्रेम भी होता है उसमें, मैट्रिक्स भी होता है उसमें, वेक्टर्स भी होते हैं. सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, एंड फॉर दैट That is why we require what? We require a, what do you call it? We require a list. Clear to all of you? Give me a thumbs up अगर ये list clear है. कैसे indexing किया clear है ना? आप dollar करके भी पूरा component निकाल सकते हो, double bracket use करके भी component निकाल सकते हो. अगर उस component के अंदर से आपको particular चीज निकालना है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो. Clear? एक थम्स अप दे दो, एक बार गो थ्रू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. यू इट्स बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लिस्ट.
अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो। चलो ग्रेट। ओके सो वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। वी हैव डन सबसेटिंग, ऐसे भी सबसेटिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वील कम टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। कल आपका क्लास नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द डेटा फ्रेम्स का टास्क विच इज गिवन, एंड प्लीज रिवाइज द कंटेंट अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक वील डू यूजर डिफाइंड फंक्शन, विच इज बेसिकली कि हम खुद का कोई फंक्शन कैसे बना सकते हैं, एंड वील डू लूपिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लॉट बनाना सीखेंगे, सो मे बी 2-3 मोर क्लासेस ऑफ बेसिक्स एंड देन वील बी डन विद द बेसिक्स। सो टुमारो देर इज नो क्लास, आई विल लेट यू नो इफ फ्राइडे देर इज बाय टुडे मिडनाइट। एंड ओके थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे आप भूल जाओगे। ओके okay?